बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे, दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर हैं, दोनों पूरन काम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सियावपति रामचंद्र की जय, पवनसुत हनुमान की जय। भैया आप ले रहे हो? भैया ठीक है, ठीक है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद लाला प्रगट भए आज, बीरज में अडवा बटे, नंद लाला प्रगट भए आज, बीरज में अडवा बटे, अरे कनुआ प्रकट भए आज, में अडवा बटे, अडवा बटे ढोल घुड़े रे, लडवा बटे ढोल घुड़े रे, जिनी जिनी करे गुलाल, बीरज में लडवा बटे, जिनी 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 उड़े गुलाल, बीरज में लडवा बटे, नंद लाला प्रगट भए आज, बीरज में लडवा बटे, बंदर वाल बनाओ मेरी बहना, बंदर वाल बनाओ मेरी बहना, पर दो लगाओ जरीदार, बीरज में लडवा बटे, जी पर दो लगाओ जरीदार, बीरज में लडवा बटे, नंद लाला प्रगट भए आज, बीरज में लडवा बटे, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, सुवर्ण के सजाए, बीरज में लडवा बटे, हाँ जी सुवर्ण के कलश सजाए, बीरज में लडवा बटे, प्यारे कनुआ प्रगट भए आज, बीरज में लडवा बटे, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, वर्षा दो मूसल गोहार, बीरज में लडवा बटे, आज बरसा दो मूसल धार, बीरज में लडवा बटे, नंद लाला प्रगट भए आज, बीरज में लडवा बटे, गैया के दूध की खीर घुटाओ, गैया के दूध की खीर घुटाओ, ब्राह्मण जी माओ अपार, बीरज में लडवा बटे, ओ जी ब्राह्मण जी माओ अपार, बीरज में लडवा बटे, नंद लाला प्रगट भए आज, बीरज में लडवा बटे, प्यारे कनुआ प्रगट भए आज, बीरज में लडवा बटे, छठी पूजा गाओ गीत सब गाओ, छठी पूजाओ गीत सब गाओ, मोहरों की कर रो थार, बीरज में लडवा बटे, मोहरों की कर दो बोछार, बीरज में लडवा बटे, ल
लडवा बटेरे डोले गुड़े रे लडवा बटेरे डोले गुड़े रे जिनी जिनी उड़े गुलाल बिरज में लडवा बटे प्यारे जिनी जिनी उड़े रे गुलाल बिरज में लडवा बटे प्यारे कनुआ प्रगट बयाल बिरज में लडवा बड़ो बड़ो बाल कृष्ण भगवान की जय। आप सुनाइए मिलने वाला है आओ गुरुदेव के नाम से, तो गुरुदेव की वो आवाहन करने वाला है। शुरू कर लेते हैं। दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाता, तुम हो जगत के दाता। आओ गुरुदेव दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाता, तुम हो जगत के दाता। तुम्ही हो ब्रह्मा तुम्ही हो विष्णु तुम्ही हो शंकर रूपा, तुम्ही हो शंकर रूपा। आओ गुरुदेव दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाता, तुम हो जगत के दाता। सृष्टि स्थिति लय स्वरूप तुम हो अनादि रूपा, तुम हो अनादि रूपा। आओ दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाता, तुम हो जगत के दाता। अनंत बात दीन बंधु तुम हो अनादि रूपा, तुम हो अनादि रूपा। आओ गुरुदेव दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाता, तुम हो जगत के दाता। अज्ञात नाशक शरण संरक्षक आत्मज्ञान प्रदाता, आत्मज्ञान प्रदाता। आओ गुरुदेव दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाता, तुम हो जगत के दाता। बोलो किशन कन्हैया लाल की जय। जय सब लोगों को राम राम जी। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो मैया, मेरे सर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन पानी के नाव चलेना, अब पतवार पकड़ लेना। बिन पानी के नाव चलेना, अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन
आसा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाती हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाती हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में हिचकाती हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में हिचकाती हो। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो मैया, मेरे सर पर रख दो मैया, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो जय माता जी की। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। उड़ उड़ धूल मेरे नैनन पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरे नैनन पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरे नैनन पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरे नैनन पे आवे। मैंने अर्जन की बाबू धूल मोहे प्यारी लगे, मैंने भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल मोहे प्यारी लगे, उड़ उड़ धूल मेरे होठों पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरे होठों पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरे होठों पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरे होठों पे आवे। मैंने भजन गाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे, मैंने भजन गाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल मेरे हाथन पे आवे। मैंने तालियां बजाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे, मैंने तालियां बजाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल मोहे प्यारी लगे। उड़ उड़ धूल मेरे पैरन पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरे पैरन पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरे पैरन पे आवे, उड़ उड़ मेरे पैरन पे आवे। मैंने परिक्रमा की भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे,
मैंने परिक्रमा की भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ सच्चा है दरबार तुम्हारा संकट काटो श्याम क्या है दरबार तुम्हारा संकट काटो श्याम हमारा जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे बाबा नंगे पाप पधारा जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे दुख हरना मेरे दुख हरना तेरा गुण गाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया दीन दयाल दया के सागर फिर क्यों खाली तेरी कादर दीन दयाल दया के सागर फिर क्यों खाली मेरी कादर विनती मेरी तुम सुन लेना श्याम मुरारी है नटनागर विनती मेरी तुम सुन लेना श्याम मुरारी है नटनागर भर देना झोली भर देना यही आस लाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ जब फागुन का मेला होगा अपने पास बुलाना होगा जब फागुन का मेला होगा अपने पास बुलाना होगा मैं मरूंगा भर पिचकारी तुमको रंग लगाना होगा मैं मरूंगा भर पिचकारी को रंग लगाना होगा खेलूंगा होली खेलूंगा रंग लाल लाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ जब जब तेरी याद सतावे शाम सुंदर नैनों में पावे जब जब तेरी याद सतावे शाम सुंदर नैनों में पावे सब भक्तों की यही कामना सारा जग सुखी हो जावे सब भक्तों की यही कामना जग सुखी हो कर देना सुखी कर देना तेरे गीत गाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ बोलो श्याम प्यारे की जय खाटू श्याम की जय कन्हैया लाल की इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना
मैं तेरा तू मेरा बाबा मेरा जी तू राजी मैं तेरा तू मेरा बाबा मेरा जी तू राजी तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना इतनी कृपा सामने बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना भूल कभी ना जाना तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना मेरे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना दिन के दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना इतनी कृपा सावरे बनाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना तेरे भक्तों में मन लगता और कहीं ना लागे तेरे भक्तों में मन लगता और कहीं ना लागे पीता पीता जग सारा आगे जगाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना मरते दम तक सेवा में लगाए रखना जन्म जन्म तक जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे टूट जाए सांसों की लड़िया तार कभी ना टूटे गोदी में इस दिल को बिठाए मरते दम तक सेवा में लगाए रखना कृष्ण कन्हैया लाल की जय छोटी की सोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी की सोरी मेरे अंगना में डोले रे अंगना में डोले मेरे मानेवा में डोले रे छोटी सी की सोरी मारे अंगना में डोले रे अंगना में डोले मेरे मानेवा में डोले रे मैंने बासु पूछो लाली कौन गाँव की बेटी रे मैंने बासु पूछो लाली कौन गाँव की बेटी रे हंस हंस के बतावे मैं तो बरसाने की बेटी रे हंस हंस के बतावे मैं तो बरसाने की बेटी रे छोटी सी की सोरी मार अंगना में डोले रे मैंने बासु पूछो लाली कहाँ तिहारो नाम रे मीठी मीठी बोले बातों मीठी मीठी बोले बातों राधा मेरो नाम रे मीठी मीठी बोले बातों राधा मेरो नाम रे छोटी सी की सोरी मार अंगना में डोले रे
मैंने पासों पूछो लाली कहाँ तेरी ससुराल रे, मैंने पासों पूछो लाली कहाँ तेरी ससुराल रे, हंस हंस के बतावे मेरी नंदगांव ससुराल रे, हंस हंस के बतावे मेरी नंदगांव ससुराल रे, छोटी सी की सोरिया छोटी सी की सोरी मारे मानवा में डोले रे, मैंने बासु पूछो लाली कौन सु, मैंने बासु पूछो लाली माखन खावेगी के तू, आहा हा 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 कह के मेरे आगे पीछे पीछे डोले रे, हा हा कह के मेरे आगे पीछे बातों डोले रे, छोटी सी की सोरी मारे माने वा में डोले रे, मैंने बास पूछो लाली कौन तेरो भरतार रे, मैंने बास पूछो लाली कौन तेरो भरतार रे, सकुचावे और मन में हरसावे सकुचावे और बतावे मेरो श्याम सुंदर भरतार रे, छोटी सी की सोरी ओ छोटी सी की सोरी मेरा अंगना में डोले रे, अंगना में डोले मेरा मानवा में डोले रे, अंगना में डोले बातों मेरे मानवा में डोले ले, राधे राधे। दर्पण अभी मधुराष्टकम गाएगा। मधुराष्टकम अधरम मधुर मधुर वचन मधुर चरित मधुर वचन मधुर वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणुर् मधुरो रेणुर् मधुर पानर् मधुर पादो मधुर नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वक्षी मधुरा सलिलं अखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरा मूक्तम मधुरम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपतेरे अखिलम मधुरा गावो मधुरा यष्टेर मधुरा षष्टेर मधुरा दलितं मधुरा दलितं मधुरा मधुराधिपते अखिलं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् किशन कन्या की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
गुरु जी विराजमान हो गए व्यासगद्दी में, कथा का समय हो गया है। सभी लोग अपना अपना आवाज म्यूट कर दें और प्रेम से भगवान की लीला का वर्णन सुनते हुए कथा श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। ओम नमः श्रीमद् परमहंसा स्वादि चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय राजाधिराजाय भगवते श्री रामचंद्राय अखिल भुवन जनमस्ते मभंगादि लीले विनिधि विविध भूत भ्रात रक्षैक दीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् क्षेम श्री भक्तिरूपा। जयति सकल विद्यावाहनी जन्मशैलो जनिपति परिवृत्तिं शांत विश्रांत साखी निखिल कुमति माया शर्वरी बाल सूर्यो निगम जलधिवेला पूर्ण चंद्रो यतीन्द्रः वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं अहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादीनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामितं। नृत्यनमत्त मयूरिकापतिपतद्बरहारे मौलिं रसं श्रीवत्सं जनवत्सलं नवघनश्यामं विरामं दिशां कन्दर्पामित सुन्दरं नटवरं वृन्दावनीं भूषणं श्रीराधा मुख कंज मंज मधुपम कापिच्छ नीलम शये यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयोथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यो नित्यमच्युत पदां भुजयुग्मरूपो व्यामोहितस्तजितरान् दृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमां अस्मदाचारि पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ज्ञानशक्ति समारूढा तत्त्वमाला विभूषितः भक्तिमुक्ति प्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाडूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्रीलक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्रीराम कुमार भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। हरिद्वार क्षेत्र की जय। गंगा मैया की जय। समस्त भक्त मंडली की जय। परम आनंदमय स्वरूप भक्तों के कल्याणार्थ अवतरित भारत भूमि में अपने पावन विग्रह को ग्रहण करके अनेकानेक अवतारों को ग्रहण करने वाले भगवान श्रीमन नारायण की पावन अनुकंपा का एक प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए श्रीमद्भागवत अंतर्गत हम आप सब आज
पंचम दिवस की कथा का प्रसंग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हरिद्वार के पावन आनंद तट पर विराजमान हुए सनकादिक महात्माओं ने जिस स्थान पर नारद जी महाराज को पहली सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा का प्रसंग सुनाया था, हम आप सब लोग स्वामी जी के द्वारा निर्मित किए हुए राजगुरु सेवा ट्रस्ट के द्वारा संचालित श्री वेंकटेश्वर धाम उसी आनंद तट पर स्थापित किया गया है जिस स्थान पर बैठ करके हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत में वर्णित वही गंगा का आनंद तट नाम का स्थान है जहाँ पर हम आप लोग पिछले 4 दिनों से श्रीमद् भागवत की कथा का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। देवभूमि हरिद्वार गंगा जी के पावन दर्शनों का एक अद्भुत स्वरूप हमें दर्शन कराती है और यहाँ आने पर भक्तों को ये निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि हम भगवान श्री हरिनारायण के द्वार पर ही पहुँच गए हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान बद्रीनाथ जी हमें आवाहन कर रहे हैं अपने पास बुलाने के लिए। और हम आप सब भी उसी भाव से हरिद्वार में ही बैठ करके भगवान बद्रीनाथ का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। COVID-19 के चलते इस समय चार धाम की यात्रा तो बंद है, इसलिए भक्त लोग शारीरिक रूप से तो बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर नहीं पा रहे, लेकिन मन से और मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन दर्शनों के माध्यम से हम बद्रीनाथ भगवान का दर्शन, उनका अभिषेक दर्शन, स्नान दर्शन इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं उत्तर भारत में विराजमान होकर के जिसे धरती का भू वैकुंठ कहते हैं उस बद्रीनाथ धाम में विराजमान अनंत विभूषित अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान बद्रीनाथ जी की पावन अनुकंपा का हम आप सब अपने जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मनसा दर्शन करते हुए उनकी कृपा का अपने जीवन में अनुभव आनंद स्वरूप प्रागट्य दर्शन प्राप्त करते हुए आइए आज के इस परम पावनी कथा के प्रसंग में हम आप सब प्रवेश करेंगे। जहां पर भगवान अपनी बांग्मय मूर्ति से स्थित होकर के संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंस मेघ ममलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्करम आविष्कृतम तच्छणवन विपठन विचारण बरो भक्त्याभिमुच्ये नरः। श्रीमद् भागवत की महिमा ये कहती है। ये श्रीमद् भागवत की कथा मूल रूप से श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम ये संपूर्ण पुराणों का तिलक है, अर्थात 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में वर्णित किया गया है। यद वैष्णवानाम धनम, और यही भगवान के जो परम वीतरागी वैष्णव जन हैं उनका धन है, उनकी संपत्ति यही भागवत है। उनको संसार की भौतिक संपत्ति में मोह नहीं है, उनको प्रेम है तो भागवत से। चाहे हम व्यास की बात करें, चाहे सुखदेव की बात करें, चाहे शांडिल्य मुनि की बात करें, चाहे गरग मुनि की बात करें, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिन्होंने श्रीमद् भागवत को ही अपने जीवन की संपूर्ण संपत्ति के रूप में स्वीकार किया है। यस्मिन् पारमहंस मेघ ममलम ज्ञानम परम गीयते। धन का प्रारूप क्या है, धन दिखता कैसा है,
तो कहा परमहंस मुनियों के द्वारा गाई हुई भगवान की अमल कीर्ति का विस्तार रूपी धन है। ये कोई धातु नहीं है, ये तो संतों की वाणी है। संतों की वाणी रूपी ऐसा अमल भगवान का विस्तार है, ऐसी भगवान की कथा है जिसको बड़े बड़े पारमहंस मुनियों ने गाया है। विशेषता है तत्क्षणवन विपठन विचारण बरो भक्त्याभिमुच्ये नरः, जिसका पाठ, जिसका श्रवण और जिसका चिंतन भक्तों को संसार की हर प्रकार की मोह आसक्ति से मोक्ष दे करके भगवान नारायण के चरणों का आश्रय प्रदान करने वाली, ऐसे भगवान के इस पावन गुणानुकथनों को, गुणानुवादन को हम आप सब श्रीमद् भागवत की कथा के रूप में दर्शन कर रहे हैं। मूलतः ये कथा हमारे जीवन को ऐसे तो सब कुछ प्रदान करती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों में गजेंद्र ने कहा यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजंत इष्टाम गतिमाप्नुवंति। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों में से मनुष्य अपने जीवन में जिस प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति अपने जीवन में करना चाहता है, भगवान की शरण में आने मात्र से ही हमारे जीवन के सारे पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भागवत की विशेषता इतनी जरूर है, भक्तियोग वर्धनम यच्चो कृष्ण संतोष हेतुकम। भागवत के महात्म्य में सूत जी महाराज ने कहा है कि ये कथा दो चीजों को जरूर प्रदान करती है। इस कथा में प्रवेश करने मात्र से हमारे जीवन को भगवान की भक्ति मिलती है, यदि भक्ति नहीं है तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और यदि पहले ही भगवान की कृपा प्रसाद के रूप में आपको भक्ति मिली हुई है तो भक्तियोग वर्धनम ये कथा ऐसी है जो हमारे जीवन में भक्ति का विस्तार करती है, भक्ति का वर्धन करती है, बढ़ा देने वाली है। कृष्ण संतोष हेतुकम, एवं भगवान कृष्ण भी इस कथा को श्रवण करने पर प्रसन्न हो जाते हैं। ज्ञान और वैराग्य ये तो हमारी योग्यता पर निर्भर करता है, हम कितनी पात्रता रखते हैं, कितनी योग्यता रखते हैं, ज्ञान और वैराग्य उस परिमाण में हमारे जीवन में प्रवेश कर पाएगा। लेकिन भक्ति तो निश्चित रूप से आपको इस कथा के प्रसंग में प्राप्त होगी। कल जिन कथाओं का प्रसंग हमने श्रवण किया, भगवान के अवतारों की कथा का प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं, अनेकानेक अवतारों का हमने दर्शन किया, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए स्वयं भगवान कभी वाराह के रूप में आए, कभी नरसिंह अवतार धारण किया, कभी भगवान ने हरि अवतार लेकर गजेंद्र को मोक्ष दिया, कभी भगवान ने कक्षप अवतार लेकर के पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, कभी धन्वंतरी अवतार लेकर अमृत का प्राप्ति कराई, भगवान ने स्वयं मोहिनी अवतार लिया, वामन अवतार लेकर के भगवान तो इतने कृपा निधान है, रूप धारण करके मत्स्यावतार लेकर के सत्यव्रत मनु पर भी कृपा कर, और इसके आगे हमने दो मुख्य अवतारों में राम और कृष्ण जैसा एक अद्भुत अवतार भी धारण किया संपूर्ण जगत के कल्याण के। तो अवतार तो बहुत हैं, लेकिन इन अवतारों की विशेषता है कि सारे अवतारों में रूप भले अलग अलग दिखाई देते हैं। यदि अध्यात उर्गाय विभावयंती तत्त पपु प्रणशे सदनुग्रहाय। एक भक्त अपने जीवन में भगवान के जिस जिस स्वरूप को दर्शन करने की चेष्टा या अभिलाषा रखता है, भगवान इतने सामर्थ्यवान हैं कि तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रह आय।
अपने अपने भाव से वो वैसा वैसा रूप धारण करके भक्त को दर्शन देने का सामर्थ्य रखते हैं। तो सबसे मुख्य बात कि भगवान किसी एक रूप या सीमा में बंधन में नहीं हो सकते। भगवान तो असीम है, हमारी सीमाओं हमारी कल्पनाओं से परे हैं भगवान। बस ये तो उनकी कृपा है कि हम अपनी बुद्धि से अपने भाव से परमात्मा के जिस रूप का दर्शन प्राप्त करना चाहें भगवान वैसा रूप धारण करके हमें दर्शन देने का सामर्थ्य रखते हैं। पर यदि भगवान को हमने अपनी मान्यता का विषय बना दिया तो फिर उतने में ही भगवान सीमित रह जाएगा। भगवान भाव में विराजमान होते हैं, किसी मान्यता की सीमा में उनको बांधा नहीं जा सकता। कहीं यदि हमने सोच लिया कि केवल चार भुजा वाला ही भगवान होता है तो फिर हमारी दृष्टि हमारी बुद्धि हमारा भाव केवल भगवान को चतुर्भुज रूप में ही ग्रहण कर पाएगा, अन्य किसी रूप में हम भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे। पर भागवत तो ये हमें विशेषता बता रही है कि भगवान किसी एक रूप के बंधन में नहीं है। रूप तो कितने धारण किए, कक्षप भी बने मछली भी बने, यहाँ तक कि शूकर जैसी निम्न योनि में भी भगवान ने अवतार धारण किया, जो देखने में हो सकता है सुंदर ना हो लेकिन वही परमात्मा जिन्होंने राम और कृष्ण जैसा सुंदरतम स्वरूप भी धारण किया। अर्थात हमारे भगवान तो ऐसे हैं जिनको संसार के किसी रूप में कोई भेदभाव नहीं है, सारे रूप भगवान के ही हैं। ससर्व नामना सच सर्व रूपा, विष्णु सहस नाम का हम लोग पाठ करते हैं, हम लोग कहते हैं अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप और अनेक रूपों को धारण करने वाले उस भगवान को हम प्रणाम करते हैं जो अनेक अनेक रूपों को धारण करने वाले। तो ऐसे ही भगवान रूप चाहे जितने धारण कर लें लेकिन भक्तों पर कृपा करना ही उनका हर रूप की विशेषता है। रूप चाहे जैसा हो लेकिन कृपा तो वो जीवों पर हर रूप में करते हैं। इन्हीं भगवान ने हम जीवों पर कृपा करने के लिए अनेक बार अवतार लिए, जिन अवतारों की कथा कल हमने दर्शन किया। पर इनकी विशेषता है कि ये चांस कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इन सारे अवतारों में कुछ भेद दिखाई दिया कि भगवान के बाकी जितने अवतार हैं कोई अंशावतार कोई कलावतार कोई मानसावतार है, केवल दो बार भगवान ने पूर्णावतार धारण किया है मृत्युलोक में, जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में दर्शन करते हैं। ये दो ही अवतार भगवान के पूर्णावतार हैं और इन दो अवतारों में भगवान ने बहुत समय तक मृत्युलोक में रहकर अनेक अनेक लीलाओं को करके हम सबके जीवन को एक आनंद का आधार प्रदान किया था। राम के रूप में अवतार हुआ भगवान का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मर्त्यावतारस्तु हि मर्त्य शिक्षणम वृक्षो बधाय ऋतु केवलम विधो कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्वात्मनः सीताकृतानि वचनानि ईश्वरस्य। अवतार लेने का कारण किसी रावण या किसी अन्य असुर को मारना नहीं था। राम जी का अवतार हुआ तो इस मृत्युलोक में मनुष्य जाति को आचरण की शिक्षा प्रदान करना, मानव योनि में यदि जन्म मिला है तो राम की मर्यादाओं को श्रवण करके राम की मर्यादित लीलाओं का दर्शन करके उन लीलाओं को अपने जीवन में हमें आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। राम कथा तो इसीलिए सुनी और सुनाई जाती है कि जिस राम कथा के प्रसंग को हम सुन रहे हैं उन राम जी के चरित्र को किसी न किसी प्रकार से यथावत
अपने जीवन में हम स्वीकार करने का प्रयास कर सकें, उसको अपने जीवन में उतार सकें। राम जी का ये पावन स्वरूप है जिसको हमें अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करना, क्योंकि प्रभु श्री राम ही हैं जो एक ऐसे आदर्श महामानव कह लें या ईश्वर की एक अद्भुत स्वरूप की अवतार की स्थिति को जिन्होंने ग्रहण किया। राम जी के अवतारों की विशेषता तो ये है, एक ऐसा अवतार है राम का जिस अवतार ने सारे देवताओं के देवत्व को फीका कर दिया, बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या जिनके सामने छोटी दिखाई देने लगी, ऐसी अद्भुत मर्यादा, ऐसी अद्भुत तपस्या, ऐसा अद्भुत देवत्व जिन्होंने धारण करके इस जगत में अपने ऐश्वर्य को हमारे जीवन में प्रस्तुत किया, वो भगवान श्री राम का अवतार है। उसके बाद हम भगवान श्री कृष्ण की लीला का दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, पुष्ट पुरुषोत्तम हैं। राम की मर्यादा पर चले बिना कृष्ण के स्वरूप की प्राप्ति जीवन में नहीं हो सकती। कृष्ण तो पुष्टि है, हमारे जीवन को पुष्ट करने वाला है, हमारे जीवन को पूर्ण करने वाला है। ऐसा कृष्ण मृत्युलोक आनंद स्वरूप को धारण करके अपनी आनंदमय लीलाओं का हमारे जीवन में हमें दर्शन कराने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्य, अपना संपूर्ण वैभव लेकर के भगवान कृष्ण इस मृत्युलोक में आए। ततो जगत मंगल मच्युतांशम, अर्थात संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले भगवान, जो कोई अंशावतार नहीं है, ये तो वो अवतार है कि साक्षात अच्युत भी जिसके अंश हैं, ऐसा वो परिपूर्णतम अवतार कृष्ण के रूप में स्मृतलोक में अवतरित होकर के आए। अनुग्रहाय भक्तानाम मानुसम देह मास्तुता, भजे तादृशी कीड़ा यह श्रुत्वा तत्परो भवेत। भागवत में सुखदेव जी ने कहा है, अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषीम देह मास्तुता। एक निराकार परमात्मा को नराकार स्वरूप धारण करने की आवश्यकता क्या पड़ी? आप सोचिए कि क्या भगवान को असुरों को मारने के लिए कोई अवतार लेना पड़ेगा? अरे वो तो इतना सामर्थ्यवान है, यदि बैठे बैठे ही संकल्प कर ले कि असुरों का विनाश हो जाए तो उनके संकल्प मात्र से ही सारे असुर विनाश हो जाए। जिनकी भ्रकुटी थोड़ा सा टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि में प्रलय हो जाता है, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई। तो उस परमात्मा को एक छोटे से असुर को मारने के लिए क्या अवतार लेना पड़ेगा? वो तो जहां बैठा वहीं से बैठे बैठे एक बार संकल्प करे असुर का प्राणांत हो जाए, या उसमें इतना भी सामर्थ्य है यदि वो संकल्प कर ले तो कभी असुरों का जन्म ही ना हो। लेकिन ये तो लीला है भगवान, ये तो हमारे लिए अवतार लेकर के आए। अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषीम देह मास्तुता, हम भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान ने मनुष्य की देह को धारण किया। एक निराकार परमात्मा निराकार स्वरूप को धारण करके मृत्युलोक में अवतार लेता है। भजे त्रादृशी कीड़ा, जो मनुष्य भगवान की इस मानवी लीला में अवतार लेने के बाद भगवान की इस मानवी लीला को उसी परमात्मक स्वरूप भाव से सुनता है या दर्शन करता है, निश्चित रूप से वो मनुष्य तत्पर होकर के उस कृष्ण के अनुगामी स्वरूप में उनकी कैवल्य भक्ति को प्राप्त करने का उत्तराधिकारी हो जाता है। बहुत सरल बात है। यदि हम ये माने कि कृष्ण का अवतार हुआ, कृष्ण कोई मनुष्य नहीं है, उन्होंने तो केवल भगवान होकर मानवी लीला को धारण किया,
ऐसा भाव बना करके हम आज जिस लीला का दर्शन करेंगे, उस लीला को दर्शन करते समय अपनी बुद्धि को बहुत निश्चित रूप से ये दर्शन कराने का प्रयास करेंगे कि हम आज जिस लीला का दर्शन करने वाले हैं वो लीला भगवान की है, वो लीला किसी मानव की लीला नहीं है, किसी साधारण मनुष्य की लीला हम नहीं सुन रहे, हम तो भगवान की लीला सुन रहे हैं, भगवान की लीला का प्रसंग दर्शन कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा था परीक्षित को, कथा युमास्ते कथिता महीयसाम, मैं जो तुमको कथा सुना रहा हूं ये कथा तुम्हारे जीवन का कल्याण करने वाली है, और इसमें भी भगवान के जो अवतारों की कथा है वो भगवान की कथा ही तुम्हारे जीवन का उद्धार करेगी। इसके अलावा जो कथा मैं तुमको भागवत में सुनाऊंगा वो कथा तो केवल एक वाणी का वैभव है, वचो विभूतिर न तो पारमार्थ्यम, ये केवल मेरी वाणी का वैभव है। मैंने तुमको राजा महाराजाओं की कथा भी सुनाई, अनेक ऋषि महात्माओं की कथा भी सुनाई, अनेक भक्तों की कथा भी सुनाई, अनेक असुरों की कथा भी सुनाई, पर कृष्ण या भगवान की लीला के अतिरिक्त जो लीलाएं हैं वो केवल मैंने वाणी का चमत्कार तुमको दिखाया है। तुम्हारा उद्धार तो केवल भगवान की लीला करेगी, भगवान की कथा ही करेगी। तो हम आप सब उसी भाव से अपनी बुद्धि को उसी स्वरूप में निश्चित भाव प्रदान करके भगवान कृष्ण की आज जिन लीलाओं का क्रम दर्शन कराएंगे, ये बात निश्चित रूप से मान लें कि कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण परमपिता परमात्मा है, कृष्ण ही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिन्होंने हम सब पर कृपा करने के लिए इस कथा के रूप में हमें अपनी कृपा का स्वरूप प्रदान किया है। देवकी और वसुदेव कारागार में भगवान के स्वरूप का दर्शन आज प्राप्त कर रहे हैं, जब भगवान का स्वरूप उनके सामने प्रकट हुआ। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंके गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदशौभगम महार्हवैदूर्य किरीट कुंडला तुषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्दाम कांचित गद कंकणादिभिर् विरोचमानं वसुदैव ऐक्षतो। वसुदेव जी महाराज और देवकी आज भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, कैसा अद्भुत स्वरूप है वो, कि तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, अद्भुतम बालकम ऐक्षणम, आज एक अद्भुत बालक का दर्शन हो रहा उनके जीवन में, ऐसा अद्भुत बालक जिसको संसार में आज तक ना कभी किसी ने देखा और ना कभी किसी ने आज तक अपने जीवन में अनुभव किया हो। चतुर्भुजम बालक की विशेषता है, चार चार हाथ है। अम्बुजे क्षणम बड़े बड़े कमल के समान नेत्र हैं, जिन नेत्रों से वो देवकी और वसुदेव की ओर निहार रहे थे। चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है। श्रीवत्स का चिन्ह वक्षस्थल पर विराजमान है। गले में कौस्तुभ मणि विराजमान है। सुंदर सोने के समान चमकता हुआ पीतांबर जिनके सुंदर श्यामल गात्र पर सुशोभित हो रहा है। सुंदर सुंदर वैदूर्य मणियों से जड़ित किरीट और कुंडल जिन्होंने पहने हुए हैं। हजारों मणियों के समान जिनसे चमक निकल रही है, ऐसा सुंदर स्वरूप को धारण करने वाला वो परमात्मा आज देवकी वसुदेव के सामने आकर के चतुर्भुज स्वरूप में खड़ा है। दोनों ने भगवान का दर्शन किया, थोड़े देर तक तो निहारते रहे क्योंकि बुद्धि ने आज जो अद्भुत स्वरूप दर्शन किया है उस दर्शन को करने के बाद वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। बुद्धि न कुछ सोच पा रही न कुछ बोल पा रही, स्तब्ध होकर के भगवान के स्वरूप का दर्शन करते रहे। कुछ देर बाद वसुदेव जी महाराज ने अपना
अपनी बुद्धि को एकाग्र करके भगवान के स्वरूप का दर्शन करके उनको प्रणाम किया। विदितोसि भवान साक्षात पुरुषे प्रकृते परः केवलानो आनंद सर्वबुद्ध देव। बलदेव जी कहते हैं प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विदितोसि भवान, पहचान लिया मैंने प्रभु आपको, थोड़ा देर तो हुई पहचानने में, मेरी बुद्धि ने थोड़ा समय लिया, लेकिन अब मैंने आपको पहचान लिया है। आप कौन हैं? साक्षात प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा हैं, ऐसा मैंने पहचान लिया। विदितोसि प्रभु, बहुत अच्छे से जान लिया। और मैं ये भी जानता हूं कि केवल अनुभवानंद स्वरूप है सर्व बुद्धि दृक्। आप वो हैं जिनको केवल हम अपने अनुभव में ही प्राप्त कर सकते हैं। कोई सोच ले कि भगवान को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर लें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि भगवान इंद्रियातीत हैं। इंद्रियातीत भगवान को अपने गुण ज्ञान अपनी विशेषताएं अपने पुरुषार्थ से इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इंद्रियातीत भगवान है, वो ऐसा भगवान है जिसको देखने के लिए हमारी आंखों में सामर्थ्य नहीं है, जिसको सुनने के लिए हमारे कानों में सामर्थ्य नहीं है। उस परमात्मा को हम छू सकें ऐसा हमारी त्वचा में सामर्थ्य नहीं है, हमारी जिह्वा उसको चाट करके उसका स्वाद नहीं बता सकती। न वाक्चक्षुर गच्छति अप्राप्त मनसा सह। वेद कहता है परमात्मा वो है, न वाक्चक्षुर गच्छति, जहां तक हमारी वाणी नहीं पहुंच सकती। नजर अच्छी है साउंड सर, अच्छी आपको गेम आगे दिखा सकते कि हम उस परमात्मा के स्वरूप को और स्टॉप से जहां पर आपको भैया मुंह आज देखते हैं बाधा की नारियों पर टच खरीदारी आ रही है वहां पर चक्षु रक्षा अर्थ नहीं है कि उस परमात्मा के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर सके। अप्राप्त मनसा सह, यहाँ तक कि मन की भी बात करें, जिस मन की गति बहुत तीव्र है, पर भगवान के परिप्रेक्ष्य में यदि कहा जाए तो मन में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि उस परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए मन भी वहां तक पहुंच सके। वो तो केवल अनुभवानंद है, केवल अनुभव में आनंद के रूप में ही हमारे जीवन में आता है। अनुभव गम्य भजहि देहि संता, मानस में कह रहे हैं अनुभव गम्य है भगवान, जिसको बड़े बड़े संत भजन करते हैं केवल अनुभव में प्राप्त करने के लिए। केवल उस परम शक्ति का हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे, बस वही भगवान की भक्ति का एक प्रारूप होता है। कभी आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और सुंदर हवा चलने लगे और उसी हवा के प्रवाह में एक बार सुंदर सी महक आपके नासिका तक पहुंचे, जो आपके सारे शरीर को आपके मन मस्तिष्क को बिल्कुल आनंद में विभोर कर दे, बस समझ लीजिए वही भगवान का कृपा है जो आपको प्राप्त हो गई, वही ईश्वर है। कहीं जा रहे हैं संसार में, प्रकृति का कहीं बहुत सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे जाए, बस समझ लीजिएगा वही ईश्वर है। कभी कभी रामायण पढ़ रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं और सुनते सुनते अचानक कोई ऐसा प्रसंग आपके कानों में पड़े जिसको सुन करके आपके शरीर का एक एक रोआ रोमांचित होने लगे, कभी नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे और कंठ अवरुद्ध होने लगे, समझ लीजिएगा भगवान आ गए, क्योंकि भगवान अनुभव के रूप में ही आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, अनुभव में ही भगवान आपके जीवन को प्राप्त हो पाएंगे। वसुदेव जी ने कहा प्रभु केवल अनुभवानंद स्वरूप है सर्व बुद्धि दृक्, आप अनुभव के रूप में ही आ सकते हैं, आप माया से परे हैं महाराज, जगत में रहकर भी वो जगत से दूर रहने वाला परमात्मा है, जिसका जिज्ञासा, जिसको प्राप्त करने की जिज्ञासा ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है,
ऐसे उस परम स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत सुंदर स्तुति की। देवकी ने सुना, देवकी ने भी निश्चित कर लिया कि ये तो महापुरुष के लक्षणों को धारण करने वाला साक्षात परमात्मा है। कंस के भय से भयभीत हुई देवकी आज कृष्ण दर्शन से अपनी बुद्धि को पवित्र करके भगवान के स्वरूप को प्रणाम कर रही है। रूपम यत्तत् प्राहुर प्रक्त माद्रम ब्रह्मज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सतम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीपः। हे कृष्ण, मैं तुझे प्रणाम करती हूँ जिसकी सत्ता ही संसार में स्थायी है। आपके अतिरिक्त संसार में और किसी की सत्ता स्थायी नहीं हो सकती। और तो सब आने जाने वाले हैं, आज आया कल गया, आज आया कल गया। केवल आपकी सत्ता ही एक रूप में विराजमान रह करके अव्यक्त रूप से हमारे जीवन में ब्रह्म के रूप से जो प्रदर्शित होती है, जो निर्विकार है, निर्गुण है, एक प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश और चेतना का स्वरूप है, ऐसे परमात्मा जिसको यदि एक शब्द में मैं कहना चाहूं तो आप ही विष्णु हैं, जो आज मेरे घर में मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आए हैं। प्रभु, मेरे सारे भय को दूर करने वाले हे परम पुरुष, हे परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। दोनों ने भगवान की स्तुति की, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, मैं तो अपना परिचय देने आया हूं। तमेव पूर्व सर्गे भू कृष्णी स्वयं भुवे सती तदायम सतपा नामा प्रजापति रकलमशः। पूर्व जन्म में जब तुम कृष्णी और सुतपा के रूप में तप कर रहे थे, तब मैं तुम्हारे घर में कृष्ण गर्भ के रूप में अवतार लेकर के आया। दूसरी बार तुमने कश्यप और अदिति के रूप में तप किया, तो मैं तुम्हारे घर में वामन के रूप में आया था। ये तीसरा जन्म है जब तुमने देवकी और वसुदेव के रूप में तप किया, तो मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आज जन्म लेकर के आया हूं। देवकी ने कहा, तो प्रभु बाल रूप में दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, अभी कंस मेरा शत्रु है, मुझे अभी अपनी लीलाओं का दर्शन कराना है देवकी, इसलिए 11 वर्ष तक मुझे ब्रज में रह करके अपनी लीला का क्रम दर्शन कराना पड़ेगा। आप मुझे ब्रज में पहुंचाइए, वहां जो यशोदा को कन्या हुई है उस कन्या को लेकर के आइएगा। वसुदेव जी ने भगवान की बात को स्वीकार कर लिया, भगवान को मस्तक पर उठा लिया, लेकर के गोकुल पहुँचे, यशोदा के कक्ष में, जहाँ यशोदा को एक कन्या का जन्म हुआ है, वहाँ भगवान को छोड़ा, कन्या को लेकर वापस कारागार में आए। कारागार में जैसे ही प्रवेश किया, बहिरंतःपुर द्वारा सर्वापुर वदावृता ततो बालध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। कन्या ने रोना शुरू कर दिया। कन्या के रोने की आवाज सुन करके सारे सैनिक जाग गए, पहरेदार जाग गए, जाकर कंस को सूचना दी। कंस भागता हुआ आया, विह्वल होकर के सुतिका गृह में प्रवेश किया और उस बालिका को गोद में उठाकर पूर्ववत 6 बालकों की भांति धरती पर पटकना चाहा। उसी समय देवकी बड़े करुण भाव से, अपने मात्र स्नेह के भाव से वशीभूत होकर कंस के चरण पकड़ती है, भैया इसको छोड़ दो, ये तो बालिका है, एक बालिका से आपको क्या नुकसान हो सकता है। कंस ने कहा, देवकी तुम मेरी बहन हो, मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारे संतान को मैं मारूं, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से आकाशवाणी के शब्द सुने थे, जहां आकाशवाणी ने कहा कि अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंताम या वहसे अवुद। मूर्ख कंस, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यदि आकाशवाणी ने कहा होता कि देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण
बनेगा, तो मैं इस कन्या को छोड़ देता। लेकिन आकाशवाणी ने कहा आठवां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण है, तो गर्भ में तो पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकती है, मेरे जन्म का कारण तो पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकती है, इसलिए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पूर्व छह बालकों की भांति उस कन्या को उठाकर धरती पर पटकना चाहा, कन्या छूट गई कंस के हाथ से, आकाश मार्ग में चली गई, अष्टभुजाधारी देवी का स्वरूप बना लिया और उसने कंस को यह संकेत कर दिया कि कंस किम मया हतिया मंदो जाते कुलतवांत कृत यत्र कवा पूर्व शत्रु कृपणान बता, मेरे मारने से क्या लाभ होगा कंस, क्योंकि तेरा मारने वाला तो कहीं ब्रजमंडल में पहुंच गया है जो सुरक्षित है, मैं तो माया हूं, मैं किसी के हाथ नहीं आती, जाकर पहाड़ों पर बैठ गई, जीव मात्र के जीवन के सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का काम करने वाली। कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उस माया उस देवी की कही हुई बातों पर विचार किया गया कि ब्रजमंडल में कहीं मेरा शत्रु बैठा हुआ है। मंत्रियों ने कहा महाराज चिंता मत करिए, मूलो ही विष्णुदेवानाम यत्र धर्म सनातन तस् ब्रह्म गो विप्रास्तपो यज्ञाः सदक्षिणा, आपका शत्रु विष्णु ही है और विष्णु ही सनातन धर्म का मूल है, सारे संसार में सनातन धर्म के मूल रूप में विष्णु ही विराजमान होते हैं, विष्णु को ही संपूर्ण जगत का आधार मानते हैं, विष्णु जिससे प्रेम करता है यदि उस धर्म की मूल को ही नष्ट कर दिया जाए तो विष्णु अपने आप समाप्त हो जाए। ये मंत्रियों की सलाह है, देखिए विनाशकाली विपरीत बुद्धि, ऐसे विष्णु को ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं, गाय बहुत प्रिय हैं, यज्ञ बहुत प्रिय हैं, तो सीधी सीधी बात है कि तपस्वी ब्राह्मणों और ऋषियों को कष्ट दीजिए, गायों पर हिंसा करिए, यज्ञ इत्यादि विनष्ट करिए, जहां भी आपका छुपा होगा शत्रु अपने आप आकर के सामने हमारे सामने प्रकट हो जाए। और दूसरी बात आदेश कर दीजिए कि ब्रजमंडल में 10 दिन के जितने भी बालकों का जन्म हुआ हो सबका वध कर दिया जाए, आपका शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कंस ने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया और संदेश भेज दिया अपने सैनिकों को असुरों को सारे ब्रज में छोटे छोटे निरापराध जीवों का वध करने का आदेश करके। भक्तों ये सब तो मथुरा का दृश्य था जहां भगवान ने अवतार लिया, अवतार मथुरा में लिया लेकिन अपनी लीलाएं प्रारंभ की हैं ब्रजमंडल में, गोकुल में प्रभु ने लीलाएं की, मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में उसका जन्म हुआ, गोकुल बजे नगाड़ेरी, गोकुल में भगवान ने पहुंच करके पदार्पण किया, अपनी लीलाओं का आनंद प्रदान प्रदर्शित किया है। तो आइए हम सब भगवान की उन लीलाओं का दर्शन करने के लिए अब ब्रजमंडल में चलकर सर्वप्रथम भगवान की गोकुल की लीलाओं का क्रम दर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज अब गोकुल की लीला में लेकर के चल रहे हैं। नंदस्त्वात्मदुत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी, नंदस्त्वात्मदुत्पन्ने जाता लादो महामना, नंद के यहां पुत्र का जन्म होने पर जाता लादो महामना, बहुत बड़ा आह्लाद हो गया, आह्लाद माने आनंद हो गया, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो आनंद होता है। देखिए भगवान जहां भी आएंगे जैसे भी आएंगे आनंद होगा, क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद है, वो आनंद स्वरूप परमात्मा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो आनंद स्वरूप परमात्मा है, जहां भी परमात्मा के आने की प्रतीति होगी
उस समय जीव को विशेष आनंद की अनुभूति होती ही होती है। तो आज नंद के यहाँ बेटा नहीं हुआ, आज नंद के यहाँ तो आनंद हुआ है। इसलिए आप देखिए कि ब्रजवासियों को ये मालूम नहीं है कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी ब्रज में जब भगवान पहुंचे तो लोगों के मुख से अनायास ये शब्द निकलता है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एक ही शब्द निकल रहा है, ये किसी ने नहीं कहा कि नंद के घर बेटा हुआ है, सब कहते हैं नंद के यहाँ आनंद हुआ है, अर्थात भगवान आनंद है। और जब आनंद होता है, आनंद किया नहीं जाता, नीताल हादय नहीं है ना कृताल लाद, आनंद ना तो कहीं से लाया जा सकता, आपको बाजार में आनंद नहीं मिलेगा, आपको किसी अन्य जगहों पर आनंद नहीं मिलेगा कि आप वहां से उठा करके ले आइए, पेड़ में आनंद नहीं लगता कि तोड़ के ले आओगे, नदियों में आनंद नहीं है कि जल भर के ले आओगे आप, आनंद ना तो नीतालहाद होता ना कृताल्हाद होता, आनंद तो जातालहाद के रूप में होता है, ना इसको लाया जा सकता ना इसको किया जा सकता, आनंद तो प्रकट होता है, जात स्वयं प्रकट होता है, जातालहादो, आनंद स्वयं हमारे अंदर से प्रकट होता है, बाहर से कभी कहीं से आनंद को हम ला नहीं सकते, आनंद अंदर से बाहर की ओर प्रकट होता है, आनंद कभी बाहर से अंदर की ओर नहीं जा सकता। ऐसी यात्रा की ओर हम लोग चल रहे हैं जो स्व की यात्रा है, अर्थात स्वस्य की यात्रा है, स्व माने अपने आप को जानने की यात्रा है, स्वस्थ क्षेत्रे मृत्यु रश्माद पैती, देवी की कह रही है कि महाराज वही व्यक्ति स्वस्थ है जिसने अपने आप को जान लिया, जो अपने आप को जान लेता है वो स्वस्थ है। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना, किसी कोई जब मिलता है तो उसके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल पूछते हैं, कैसे हो आप, स्वास्थ्य कैसा है, वास्तव में स्वस्थ की परिभाषा तो अलग है। जैसे आप लोग घर में रहते हो, गृहस्थ आश्रम को धारण करने वाले हो, तो आपको गृहस्थ क्यों कहते हैं, गृहस्थ इसलिए कहते हैं कि गृह तिष्ठति गृहस्था, जो घर में रहता है, जो घर में बैठता है उसको कहते हैं गृहस्थ, जो वन में बैठता है उसको वनस्थ कहते हैं, वानप्रस्थ कहते हैं, वनवासी कहते हैं, उसको गृहस्थ नहीं कहेंगे क्योंकि वो घर में नहीं बैठता, जो आश्रम में बैठता है उसको आश्रमस्थ कहते हैं, आश्रमवासी कहते हैं। तो स्वस्थ का ग्रह घर में बैठने वाला गृहस्थ, स्व में बैठने वाला स्वस्थ, माने जो अपने में बैठ जाए, जो अपने अंदर आकर के बैठ जाए, जिसको आत्मा राम कहते हैं, सुखदेव जैसे योगी स्वस्थ हैं, हम सब तो बीमार हैं, हम स्वस्थ कहाँ, हम परस्त हैं, पर में बैठे हुए हैं, हमारी यात्रा पर की है, लेकिन जब तक जीव पर की यात्रा में रहता है तब तक उसके जीवन में सुख होगा दुख होगा पर आनंद नहीं होगा, आनंद तो तब होगा जब वो स्व में आकर के बैठ जाएगा। आत्मा राम शिवनियो, वो आत्मा राम मुनि है, निर्गंथा अप्युरुक्रमे कुर्वंत हेत किम भक्ति मिथम भूत गुणों हरी, सुखदेव जी महाराज हैं आत्मा राम, भगवान कृष्ण हैं आत्मा राम, आत्मा राम भगवान हैं, जो आत्मा राम होते हुए भी अपनी लीलाओं का क्रम दिखाने के लिए गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, भगवान रास लीला अपने लिए नहीं करते क्योंकि वो तो आत्मा राम, आत्मा राम को भला संसार में कहां रमण करना, आत्मा राम होकर भी गोपियों के साथ वो रमण करते हैं, अब करी रमत, आत्मा राम होकर भी उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला में विहार किया, केवल हमारे कपर के हमारे ऊपर कल्याण करने के लिए। आह्लाद हो जाता, आनंद हो गया,
आनंद प्रकट हो गया, नंद घर आनंद भयो, नंद के घर में आनंद हो गया, नंद के जीवन में आनंद हो गया, नंद की अंतरात्मा में आनंद हो गया, नंद के हृदय में आनंद हो गया, तो कहा महामना आनंद हुआ, तो मन भी आनंद से परिपूर्ण हो गया, महामन वाले हो गए, अर्थात मन में उदारता आ गई। उदारता का मतलब, उदार शब्द की परिभाषा है उत ऊर्ध्वम आसमंतात रीति उदार रा दाने, उदार का मतलब होता है दान करना, रा मतलब दान करना, उत माने ऊर्ध्वम, बहुत ज्यादा दान करने को उदारता कहते हैं। जो व्यक्ति बहुत दान करता है उसको उदार कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना, कोई रोज जाकर के गरीबों को भोजन कराता है सुबह सुबह, तो हम लोग कहते हैं बहुत उदार है वो। मंदिर में गए, सीढ़ियों पर भिखारी बैठे रहते हैं, उनको सबको कोई कोई आप देखते हैं 10-10 रुपए बांटता है, तो हम कहते हैं बहुत उदार है ये। किसी मंदिर में हमने भंडारा कराया, खूब भोजन कराया, तो लोग कहते हैं बहुत उदार सेठ आया है। लेकिन उदारता का मतलब ये नहीं है कि जिसने बहुत लुटाया हो। उदारता का मतलब है कि अपनी शक्ति से भी ज्यादा जो दान करने का भाव रखे उसे कहते हैं उदारता। आप किसी स्थान पर गए, मंदिर में गए, सत्संग में गए, बहुत आनंद आया आपको, उदारता आ गई, आपके जेब में 100 का नोट पड़ा हुआ है, आपको लगा कि 100 का नोट चढ़ा दें, ये उदारता नहीं है तो दान है। उदारता तो यह है कि 100 का नोट पड़ा है और आपका मन है कि आप 200 रुपए लुटा दें। अपनी शक्ति से ज्यादा जब लुटाने का मन बन जाए उसको कहते हैं उदारता। आज नंद जी के जीवन में ये उदारता है कि अपनी संपत्ति से भी ज्यादा मैं लुटा डालूं, ऐसा पुत्र के जन्म का आनंद हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, पितरों का और देवताओं का पूजन कराया, कार्यामास विधिवत पितृ देवार्चनम तथा। देखिए, घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो देवताओं को और पितरों को जरूर स्मरण करना चाहिए, दोनों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। हम लोग देवताओं की आराधना कर लेते हैं, पितरों को भूल जाते हैं, लेकिन देवताओं से ज्यादा आशीर्वाद तो हमारे पितर हमको देते हैं। इसलिए कोई भी घर में शुभ कार्य हो तो अपने घर में अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जरूर स्मरण करिए, पितरों का पूजन अवश्य करिए, देवताओं का पूजन करिए। नंद जी ने बहुत विधि विधान के साथ देवताओं पितरों का पूजन किया, देन नाम ने देव राधा प्रभु समलंकृते, बहुत सारी गाय दान में दी, ब्राह्मणों को बहुत धन संपत्ति दी, अनाज दान किया, सब कुछ दान में लुटाया। सारे ब्रज में आज इतना आनंद हुआ है कि ब्रजवासी आज उसी आनंद में ही यशोदा के घर पहुंच करके गोपियों ने यशोदा को बधाई देना प्रारंभ किया है, यशोदा को उसके बालक को गोद में लेकर ता आशीष है प्रिंजानाम चिरम पाहित बालके, आशीष देती हैं यशोदा, हम तेरे बालक को आशीर्वाद देती हैं कि ये जुग जुग जीता रहे, सदैव इसकी जय जयकार होती रहे, सदैव इसके जीवन में आनंद होता रहे। ऐसा ब्रज में सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के 6 महीने तक ब्रज में नंदोत्सव मनाया है, नंदोत्सव का दर्शन किया है। हमारे जीवन में भी ऐसा आनंद आ जाए, हमारे जीवन में भी भगवान ऐसे ही आनंद रूप में आकर के विराजमान हो जाएं, ऐसी मनोकामना लेकर के भी हम भगवान कृष्ण को अपने जीवन में दर्शन करने का भाव बनाएं, तो हमारे जीवन में भी निरंतर भगवान के जन्म का उत्सव होता रहेगा, नित्य उत्सवे मंदिरम, और हमारा हृदय भी मंदिर बनेगा जिसमें निरंतर भगवान का उत्सव होता रहेगा, ऐसी मनोकामना बनाते हैं। भगवान के जन्म का उत्सव बधाइयाँ हो रही हैं, तो राठी जी हमारे इच्छुक रहते हैं भजन गाने के लिए, यदि राठी जी अभी हों लाइन में
तो कोई भगवान के बधाई का गीत गाना चाहे तो वो गा सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की जय। अभी लगता है राठी जी नहीं है, कोई और बधाई गीत गाना चाहते हो तो छोटा सा कोई एक बधाई गीत गा सकते हैं। चलिए हम ही दो लाइन गा देते हैं। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, चमत्कार सा हो गया देखो, 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 गई बात निराली, हो गई बात निराली, रात ही रात में नंद बाबा की, 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 गाढ़ी हो गई काली नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बधाई लोगों, सौ बधाई लोगों, लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई,
बोलिए नंद के लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान का ये अद्भुत पदार्पण हुआ, सारे ब्रजवासी आनंद में डूबे हुए हैं। 6 महीने तक ब्रज में उत्सव मनाया गया भगवान के जन्म का, ऐसा अद्भुत उत्सव हुआ। किसी न किसी बहाने से रोज कोई ना कोई उत्सव होता है, और उत्सव भी ऐसा कि इस उत्सव में लोग अपना काम धाम सब भूले हुए हैं, किसी को याद नहीं कि हमें कुछ काम भी करना है। और ऐसे ही उत्सव के आनंद में नंद बाबा को भी अपना एक बहुत आवश्यक कार्य भूल गया, उन्हें भूल गया कि मुझे हर वर्ष मथुरा जाना पड़ता है कंस का वार्षिक कर देने के लिए, पर आज भूल गया उन्हें। किसी ने याद दिलाया, महाराज आपको मथुरा जाना होता है हर वर्ष कंस का वार्षिक कर देने के लिए, इस बार आप मथुरा नहीं गए, कंस का वार्षिक कर आपने प्रदान नहीं किया। महाराज बड़ा दुष्ट राजा है, कहीं क्रोध ना करे प्रभु, उसका वार्षिक कर उसे प्रदान करिए। नंद ने उनकी बात को मान लिया, वार्षिक कर लेकर के कर की संपत्ति प्रदान करने के लिए गए मथुरा, कंस का वार्षिक कर उसे प्रदान किया, कुशल क्षेम समाचार इत्यादि प्रदान किए। उसके पश्चात कारागार में गए, वसुदेव जी से जाकर मुलाकात। वसुदेव और नंद पुराने मित्र हैं, ऐसा भाव बना करके दोनों ने जाकर मुलाकात की। नंद जी ने सांत्वना दिया, वसुदेव जी गोकुल में बैठे बैठे मुझे आपके सारे समाचार मिले और बड़ा कष्ट हुआ जब ये समाचार मिला कि इस दुष्ट कंस ने आपको और बहन देवकी को कारागार में डाल दिया, इतना कष्ट दिया, एक एक करके आपके 6 पुत्रों को मार दिया, 7वें पुत्र का भी जानकारी मिली कि वो गर्भ में ही नष्ट हो गया, और 8वें के बारे में भी मैंने सुना है कि 8वें में एक आप वशिष्ठ कन्या सापिदी बम बता, 8वें में एक कन्या का जन्म हुआ था, लेकिन मैंने सुना है कि वो भी नहीं मिली आपको, आकाश में उड़ गई। ये सब सुनकर के बहुत कष्ट हुआ। कहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहुभूता, दुष्ट कंस जिसने आपके और देवकी के इतने सारे पुत्रों का वध किया है, बहुत दुष्ट राजा है। वसुदेव जी ने कहा, नंद जी ये तो अपने अपने भाग्य की बात है, जिसके भाग्य में जो था मुझे मिला, मेरे भाग्य में जो था मुझे मिला, पर मुझे भी तुम्हारे सब समाचार मिले हैं, मालूम हुआ इस उम्र में भी तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है, सुन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, लेकिन भय भी है मुझे। नंद जी कंस ने अपने सैनिकों को और असुरों को ब्रज में भेजा हुआ है निरापराध शिशुओं का वध करने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि असुर गोकुल में पहुंचकर तुम्हारे पुत्रों को भी कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वहां तुम्हारा पुत्र है और एक मेरा भी पुत्र है, मेरी पत्नी रोहिणी वहां रहती है, जिसके जो पुत्र हुआ है वो मेरा पुत्र है, एक मेरा बेटा है एक तुम्हारा बेटा है, कहीं मेरे और हमारे और तुम्हारे पुत्रों पर भी कोई संकट ना आ जाए, इसलिए नंद जी नयस्तेयम बहुतितम संतुष्ट पानाशि गोकुले, गोकुल में कभी भी कोई उत्पात होने की आशंका है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, यहाँ पर ज्यादा मत रुकिए, शीघ्र उन बालकों की रक्षा का भार लेकर के यहां से प्रस्थान कर जाइए। नंद जी ने वसुदेव जी की बात को सुना, लगा कुछ तो सत्य होगा ही, वहां से चल पड़े, कोई किसी प्रकार का संकट ना आए, इसलिए रास्ते भर भगवान से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे प्रभु मेरे पुत्रों की रक्षा करना, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे और वसुदेव के पुत्र पर संकट ना आने पाए प्रभु, ऐसा मन में विचार करके प्रार्थना करते चले जा रहे थे। पर अभी गोकुल पहुंच नहीं पाए नंद बाबा,
कि उनके पहुंचने से पहले ही एक संकट गोकुल में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चार निघ्नंदी पुरग्राम वृदादिशु। कंस के द्वारा भेजी हुई एक राक्षसी जिसका नाम था बकी, बकासुर की बहन थी, पूतना भी उसको कहा गया है, पूतना नाम की एक राक्षसी छोटे छोटे बालकों को मारने का जो संकल्प ले चुकी है, ऐसी पूतना नाम की राक्षसी आज भ्रमण करते करते गोकुल पहुंच गई। देखा गोकुल में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, लोग बढ़िया सजे धजे हुए हैं, कोई ना कोई उत्सव हुआ होगा, मालूम किया उसने। राक्षसी है, अपनी माया से उसने वहां का हाल चाल सब लिया। मालूम हुआ कि यहाँ के जो राजा हैं नंद राय, उनके यहाँ बहुत वर्षों के बाद एक पुत्र हुआ है, उसी पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। बस उसने सोचा चलो मुझे काम मिल गया, मेरा तो यही काम है। बाल गृहस्तत्र विचिन्वती शिशून यदक्षयानंद के हृदंतकम, छोटे छोटे बालकों को मारना ही मेरा काम है, ऐसा निश्चय करके उसने नंद जी के घर जाने का निश्चय कर लिया। पर राक्षसी है, ऐसे राक्षस को तो कोई अपने घर में आने नहीं देगा, इसलिए पहले उसने अपनी माया का प्रयोग किया और माया से अपने रूप आकृति को बदल लिया। उसने माया के द्वारा अपने स्वरूप को बदला। योषित्वा मायात्मानं प्राविशत कामचारिणी, माया के द्वारा एक सुंदर स्त्री का स्वरूप बनाया, कामचारिणी शिक्षाचारिणी कह लीजिए, राक्षसी है, जहां मनाए वहां चली जाए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। गोकुल में प्रवेश कर गई, इतना सुंदर स्वरूप है उसका, इतने सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं कि किसी ने रोका टोका नहीं, क्योंकि प्रायः हम बाहरी वेशभूषा से ही किसी व्यक्ति के चरित्र को पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का असली चरित्र, उसका असली भाव उसके बाहरी वेशभूषा से जानना संभव नहीं है। लंका में कितना बड़ा वैभव था, हनुमान जी तो सूर्यास्त होने के पहले ही लंका में पहुंच गए थे, सूर्यास्त होने से पहले ही लंका में पहुंच गए थे, पर उन्होंने सोचा नहीं, अभी जाऊंगा तो अभी बाहरी वैभव दिखाई देगा, बाह्य स्वरूप दिखाई देगा, उसका बड़ा वैभव दिखाई देगा, इतना बड़ा राजा राजसभा में बैठा होगा, मंत्रियों के बीच में मंत्रणा हो रही होगी, मैंने सुना है बड़ा विद्वान है, तो वेद पाठ करता होगा, पूजा अर्चना में लगा होगा, ऐसे समय में उसका असली चरित्र समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी मैं यहाँ पर प्रतीक्षा करता हूँ और शाम के समय, रात्रि के समय मैं लंका में प्रवेश करूँगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का असली चरित्र देखना है तो रात्रि के समय ही उसका असली चरित्र सामने प्रकट होता है। दिन भर तो बनावटी दंभ रूप में वो कुछ भी घूमता रह सकता है, पर रात्रि के समय जब वो अपने कक्ष में प्रवेश करता है तभी उसका असली चरित्र सामने प्रकट हो सकता है। इसलिए हनुमान जी ने प्रतीक्षा किया रात होने की, रात हुई तब वो प्रवेश करते हैं जब रावण के कक्ष में, तब जाकर रावण का असली चरित्र उसको दिखाई दिया, तो असुर है। तो उस पूतना ने भी अपने अंदर के राक्षसी भाव को छिपाने के लिए बाहर से एक बहुत सुंदर आकृति, बहुत सुंदर वेशभूषा धारण कर ली, ताकि मेरा चरित्र, मेरे मन के भाव कोई समझ ना सके, मेरे इस राक्षसी भाव को कोई समझ ना पाए, ऐसा निश्चय करके प्रवेश कर गई। और हुआ भी यही, उसके बाहरी वेशभूषा को देख करके सीधे साधे ब्रजवासी उसके अंदर के छिपे हुए विष को देख नहीं पाए, बाहर से जितनी सुंदर है अंदर से उतनी ही कलुष और विष से भरी हुई थी। पहुंच गए सीधे
नंद महल में पहुंची, किसी ने रोका टोका नहीं, सीधे यशोदा जी के कक्ष में पहुंच गई। वहां भी किसी ने रोक टोक नहीं लगाई। यशोदा जी ने देखा बहुत सुंदर स्त्री है, कौन है? सीधी सादी यशोदा उठ करके आई, उसका स्वागत सत्कार किया, बिठाया, उसका सम्मान किया। भी प्रेम से पूछा यशोदा ने, कौन हो देवी, तुम कहां से आई हो? उसने कहा, यशोदा मैं पास के ही गांव की हूं, मुझे जब मालूम हुआ तेरे यहां लाला हुआ है तो लाला का दर्शन करने के लिए आई। बहुत प्रसन्न हुई, बिठा लिया, आपस में बातचीत करने लगी। और भगवान ने देखा अब ये राक्षसी आ गई है। ददर्श तल्पे निवाहितम भजी, उस राक्षसी को देख करके भगवान ने भी निश्चय कर लिया कि अब आज मैं अपनी लीला के क्रम को प्रारंभ करूंगा। अष्टमी के दिन जन्म हुआ था प्रभु का, और चतुर्दशी के दिन इस राक्षसी ने आया आकर के प्रभु की लीला में प्रवेश किया। 6 दिन के हैं भगवान, 6वें दिन से ही भगवान कृष्ण की विचित्र लीलाओं का क्रम अब प्रारंभ हुआ। यशोदा की गोद में पड़े हुए अपनी लीला को विस्तार देने के लिए भगवान रोने लगे। बहुत यशोदा प्रयास कर रही, क्या हो गया अचानक लाला को रोने क्यों लगा? चुप कराने का बहुत प्रयास किया पर भगवान नहीं चुप हुए। राक्षसी को अच्छा अवसर मिला, यही अवसर है अपनी बात कहूं। उसने कहा, यशोदा तुम्हारे घर में बड़ा काम है, मैंने देखा आने जाने वाले लोग हैं, भीड़ भाड़ है, तो तुम ऐसा करो अपने लाला को थोड़ा देर के लिए मेरी गोद में दे दो, मैं इसे चुप करा दूंगी, तुम तब तक अपना घर का काम देखो। सीधी सादी यशोदा, छल कपट तो है नहीं, किसी के प्रति उसके मन में छल कपट का भाव नहीं है। और संत कहते हैं कि यशोदा में केवल यही एक गुण था जिसके कारण भगवान यशोदा की गोद को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल बंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को पाने की एक शर्त ये है, आप वेद पाठ नहीं कर सकते ना करिए, आप माला नहीं जप सकते ना जपिए, आप तीर्थ में नहीं जा सकते मत जाइए, आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो ना करिए, लेकिन यदि केवल आप में इतना गुण है कि संसार में किसी के प्रति यदि छल कपट का भाव नहीं है, आपका मन बिल्कुल निर्मल है, तो ये बात निश्चित मान लीजिए कि भगवान आपको जरूर मिलेंगे, आपको भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। यशोदा ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए कोई व्रत नहीं किया, कभी कोई तप नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया। कौशल्या जी के घर में तो भगवान आए जब उसने यज्ञ किया, तब भगवान आए। देवकी के घर भगवान आए जब देवकी वसुदेव ने बहुत तप किया, लेकिन यशोदा के घर में भगवान आए ना उसने कोई तप किया, ना व्रत किया, ना जप किया, ना अनुष्ठान किया, पर भगवान आए केवल एक गुण पर, न जाने कौन से गुण पर बिहारी लीज जाते हैं, पता नहीं कौन सा गुण है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। आज यशोदा के निश्चल भाव पर भगवान प्रसन्न हो गए, जन्म हुआ देवकी के यहाँ और गोद मिली यशोदा। राक्षसी ने कहा मेरी गोद में दे दो, सीधी सादी यशोदा, कोई छल कपट था नहीं, उठाया भगवान को रख दिया उसी राक्षसी की गोद में, चली गई अपना काम करने। राक्षसी ने देखा अच्छा मौका है, एक बार उस राक्षसी ने भगवान को देखा और भगवान ने भी एक ही बार उस राक्षसी की ओर दृष्टि डाली थी। सुखदेव जी कह रहे हैं परिणाम क्या हुआ, विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण अनंतमारोप मदंक मंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुहि। एक ही बार भगवान कृष्ण ने उस राक्षसी की ओर देखा था और देखते ही विबुद्धताम देखा और देखते ही पहचान गए, ताम विबुद्ध पहचाने बस होते तो कोई बात नहीं, पर जान भी गए, जान पहचान हो गई,
और जान पहचान बस हुई होती तो भी कोई बात नहीं थी, पर सुखदेव जी कह रहे हैं ताम विबुद्ध, विबुद्ध माने विकर्षण बुद्धिते, भगवान बहुत अच्छे से जान पहचान हो गई इससे, भगवान ने बहुत अच्छे से जान लिया, कई जन्मों का हालचाल देख लिया प्रभु ने उसका। कौन है ये? बालक मारिकाग्रहम। अरे ये तो छोटे छोटे बालकों को मारने का संकल्प लेकर के आई है, बड़ी घोर राक्षसी है। लेकिन आज मैं इसके संकल्प को यहीं पर समाप्त कर दूंगा, आज इसके संकल्प को यहीं पर तोड़ दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया प्रभु ने। और निश्चय करते ही चराचरात्मा सनिमीलित क्षण, चराचर सृष्टि में व्याप्त जो परम पुरुष परमात्मा है, भगवान कृष्ण है, जो आज साधारण बच्चे के रूप में गोद में पड़े पड़े हुए हैं, उस भगवान ने राक्षसी को केवल एक बार देखा और देखते ही अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। चराचरात्मा सनिमीलित क्षण, आंखें बंद कर ली। राक्षसी ने देखा चलो इसको यहीं पर मार देते हैं, सोया हुआ है, लेटा हुआ है, जोर से भगवान को पकड़ लिया और विष पान कराने लगा। उसको क्या पता था कि मैंने जिसको पकड़ा है वास्तव में वो काल है और उस काल ने ही मुझे पकड़ करके मुझे मार देना है। बुद्धि सोई हुई है उसकी। साधारण सी बात है कि रात के अंधेरे में यदि निकले रस्सी पर पैर पड़ जाए तो उसको सांप समझ ले, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, कोई भी समझ लेगा, ये तो सामान्य बात है, इसमें बुद्धि का कोई काम नहीं। लेकिन सोचिए कि दिन का उजाला हो, साफ सुथरा जगह हो और वहां कोई काला सर्प चला जा रहा हो और उस काले सर्प को यदि कोई रस्सी समझ करके अपने हाथ में उठा ले तो उसको क्या कहोगे? मूर्ख ही तो कहोगे, पागल ही कहोगे। तो आज पुतना का भी यही हाल है कि जिस कृष्ण को उसने एक छोटा सा 6 दिन का बालक समझ करके गोद में उठाया है, उसको मालूम नहीं है कि यही मेरा काल है, यही मेरी मृत्यु है, ऐसा उसकी बुद्धि सोई हुई थी। भगवान को विष पान कराने लगी, विष पान करते करते प्रभु ने इसके प्राणों का पान करना शुरू कर दिया, सारे मर्मस्थलों में पीड़ा होने लगी, भगवान को लेकर आकाश में उड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचाल तिक प्रभाषणी निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणी विवित ने से जड़ो जो मोहस्विन गात्रा चिपतीर रोदा। सुखदेव जी कहते हैं 2 बार चिल्लाती है, एक बार चिल्लाती है मुंच, मुंच माने छोड़ दो, जोर से चिल्लाती है छोड़ दो, पूत ना पूत, पूत माने पुत्र, आकाश में ही चिल्लाती है पूतना, पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, इसलिए उसका नाम पूतना पड़ा, ये काल्पनिक नाम है, पुत्र नहीं करके चिल्लाती, नाम पड़ गया पूतना, छोड़ दो मुझे। भगवान ने कहा नहीं, छोड़ते नहीं आता मुझे, मैं जिसको पकड़ता हूँ उसका उद्धार करता हूँ। दूसरी बार कहती है मुंच, छोड़ नहीं सकते तो मुझे मुक्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा जरूर तुझे मुक्ति दूंगा, तू मुक्ति की अधिकारिणी हो गई है, क्योंकि जो भगवान को स्पर्श कर ले वो भला मुक्त कैसे नहीं होगा। भागवत में सुखदेव जी ने कहा कि राम जी जब लीला करते थे तो राम जी की लीला में जो भी सम्मिलित हुआ, यह स्पष्टो जिसने भगवान को स्पर्श किया उसका उद्धार हो गया, जिसने राम को अपने नेत्रों से देखा उसका उद्धार हो गया, जिससे राम ने बातचीत कर ली उसका उद्धार हो गया, यहाँ तक कि यदि किसी मच्छर ने भगवान के शरीर में बैठकर उनको काटा उसका भी उद्धार हो, भगवान ने उसको भी मोक्ष दे दिया, जो उनके संपर्क में आया उसका प्रभु ने उद्धार कर दिया। ऐसे ही आज जब भगवान ने उस राक्षसी को स्पर्श कर लिया तो मुक्ति तो उसे मिलनी ही थी, आकाश मार्ग में ही मर गई, विशालकाय शरीर था वहीं से उस शरीर को छोड़ दिया भगवान ने, पृथ्वी पर गिरी, जोर से आवाज हुई, जितने भी ब्रजवासी थे दौड़ करके गए, देखा उतना मरी पड़ी है, उसके मृत शरीर के ऊपर भगवान खेल रहे थे, गोद में उठा लिया उसको,
गोपियां आ गई, कैसी माँ है, अपने लाला का ध्यान नहीं रखती। यशोदा ने कहा, मुझे पता नहीं था कि ये राक्षसी है, भूल हो गई मुझसे। आवाज के बाद मैं किसी अपरिचित व्यक्ति की गोद में अपने लाला को कभी नहीं दूंगी। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वगम रक्षाम चक्रता द्वादसंगेश नाम भी। भागवत की परंपरा के अनुसार गोमूत्र से भगवान को स्नान कराया गया। मैंने ऐसा नहीं कि बाल्टी भर गोमूत्र लेकर नहलाया गया, एक बाल्टी जल में दो बूंद गोमूत्र डालकर कहते हैं नहाओ तो सारे कीटाणु मर जाते हैं। बहुत बड़ा एंटीसेप्टिक है गोमूत्र जो है, जैसे हम लोग डिटॉल डाल के नहाते हैं, तो पुराने जमाने में लोग गोमूत्र डाल करके स्नान किया करते थे। भागवत में लिखा है गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोर सार्वकम, भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया गया। रक्षां विदधिरे समय गोपुक्ष भ्रमणादि भी, और भगवान की रक्षा के लिए कि अब इस पर कोई संकट ना आए, तो भगवान को भगवान के पास में गाय ला करके और गाय की पूंछ पकड़ करके भगवान के ऊपर ऐसे जैसे हम लोग नजर उतारते हैं, ऐसे गाय की पूंछ से गाय की पूंछ को घुमा करके भगवान की नजर उतारी गई। और गाय के 12 अंगों का नाम ले लेकर के मंत्रों के द्वारा भगवान को स्नपन कराया गया, सिंचन किया गया गोमूत्र से, जिससे किसी प्रकार का कोई संकट जीवन में ना आए। ऐसे श्लोक भी इसमें दिए हुए हैं, गाय के द्वारा किस प्रकार हमारे जीवन के संकट या बुरी नज़र या किसी भी प्रकार की जो भूत प्रेत विषाद रक्ष यक्ष विनायक इत्यादि जो संकट हैं वो जीवन में ना आए। स्वप्न दृष्टा महोत पाता वृद्ध बाल ग्रहाशय, स्वप्न का दोष, किसी को बुरे सपने आते हों तो भागवत के इन मंत्रों के द्वारा वो गोमूत्र से सिंचन करे। उत्पात हो रहे हों, वृद्धावस्था या बाल्यावस्था में किसी भी प्रकार का कोई संकट आ रहा हो, भूत प्रेतों का डर हो, डाकनी चाकनी का डर हो, तो वो सारे डर इन मंत्रों से सिंचन करने पर हमारी रक्षा होती है, ऐसा श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। पूतना का उद्धार किया। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु येन येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वरः करोति कर्मणां ज्ञानी मनोज्ञानी च नः प्रभु। हे सुखदेव जी, भगवान ने अवतार लेकर के जो जो लीलाएं की, उन लीलाओं का प्रसंग सुनकर के मुझे बहुत आनंद आया, लेकिन उसमें भी भगवान की जो ये कृष्ण की लीला है, इस लीला को सुनकर के मेरे मन में बहुत आनंद है प्रभु। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण की कोई भी लीला आप संक्षेप में ना सुनाएं। बाकी की लीलाएं तो आपने संक्षेप या विस्तार से सुनाई हैं, पर मैं कृष्ण की एक एक लीला विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे ये लीलाएं विस्तार से सुनाइएगा। सुखदेव जी तो वैसे भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उन्होंने कहा मैं जरूर विस्तार से सुनाऊंगा। कदाचितोत्थानिक कौतुकाप्लवे जरमर्क्ष योगे समवेत योषितां बादित्र गीता द्विज मंत्रवाचकै चकार सोनो रविसेचनम सति। अगली लीला का प्रसंग उन्होंने वर्णन किया। 3 महीने बाद एक दिन भगवान के जन्म का नक्षत्र विशिष्ट तिथि के दिन प्राप्त हुआ, रोहिणी नक्षत्र में जन्म आया था, जन्म हुआ था। तो 3 महीने के बाद एक दिन रोहिणी नक्षत्र के दिन यशोदा जी ने भगवान का कौतुक देखा, भगवान की एक नई लीला देखी। आज रोहिणी नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र के दिन भगवान को पालने में झुला रही थी यशोदा, भगवान लेटे हुए पालने में, यशोदा जी झुला रही। तभी भगवान ने मुस्कुराते हुए कौतुक किया, पालने में लेटे लेटे करवट बदली, बिना किसी सहारे के आज पलट गए। यशोदा को बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ। समवेत योषिताम, रोहिणी नक्षत्र में उत्सव मनाने के लिए पूरे गांव में नेवता भेज दिया, सारी गोपियां भगवान के उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ गई। वादित्र गीता द्विज मंत्र वाच गई, ब्राह्मणों ने आकर के मंत्र बोला, स्वस्तिवाचन बोला, गोपियों ने आकर गीत गाए,
सुंदर उत्सव मनाया जाने लगा। उसी उत्सव के पर्व में भगवान ने फिर एक नई सुंदर लीला का क्रम दर्शन कराया। प्रभु ने पालने में बड़े बड़े सोचा कि बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है, ऐसे उत्सव के ही समय पर मैं आज यशोदा जी की परीक्षा लेता हूं कि मेरी मैया यशोदा मुझे प्रेम करती है या संसार वालों को प्रेम करती है। पालने में पड़े पड़े आज भगवान ने फिर रोना शुरू किया। रुदंतम सुतमादा यशोदा गृह शंकिता। यशोदा ने रोते हुए देखा कृष्ण को, तो सोचा कि ऐसे रोएगा तो हमारे उत्सव में विघ्न आने लगेगा। बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा हो, गीत भजन इत्यादि गाए जा रहे हों, और छोटा बच्चा कभी रोने लगे तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। यशोदा ने सोचा सब विघ्न आ रहा है, तो पालने सहित अपने लाला को उठा करके ले गई और बाहर एक बैलगाड़ी के नीचे उस पालने को रख करके चली आई। भगवान ने देखा और समझ लिया यशोदा अभी मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करती, इसको तो अभी संसार वालों की ज्यादा चिंता है, कि संसार के उत्सव में कहीं विघ्न ना आ जाए, इसलिए मुझे ही बाहर रख कर चली आई। हमारे जीवन में सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हम भगवान के सामने भी बैठे रहते हैं फिर भी हमको संसार की चिंता लगी रहती है, संसार के भाव ग्रहण करने का मन में विचार बना रहता है। खैर धीरे धीरे समझेगी यशोदा। बैलगाड़ी के नीचे भगवान को रख करके चली आई, दूध और माखन से लदी बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में एक कंस का भेजा हुआ असुर प्रवेश कर गया। बैलगाड़ी को संस्कृत में शकट कहते हैं, असुर का नाम पड़ा शकटासुर, सब काल्पनिक नाम है। बैलगाड़ी शकट है, असुर का नाम शकटासुर। शकटासुर ने देखा अकेले है कृष्ण, यहीं पर इसको मार दूं, तो बलपूर्वक उसने बैलगाड़ी को नीचे दबाना प्रारंभ कर दिया। भगवान अपने दोनों चरण उछाल उछाल करके रो रहे थे। जैसे ही बैलगाड़ी नीचे आई, भगवान के चरणों का जैसे ही स्पर्श हुआ, जोर से हवा में उछली और धरती पर गिरी, जोर से आवाज हुई। यशोदा और गोपियां भाग पड़ी। बाहर जाकर के देखा तो बैलगाड़ी चकनाचूर पड़ी हुई है और लाला आराम से पालने में खेल रहा। झट से आकर गोपियों ने गोद में उठा लिया। छोटे छोटे बालक थे, उनसे पूछा कि क्या हुआ, जोर से आवाज क्यों हुई। बालकों ने कहा भैया हमने अच्छे से तो नहीं देखा, पर ऐसा लग रहा है तेरे लाला ने लात मारी तो बैलगाड़ी पलट गई। और हंसने लगी, क्या कभी ऐसा हो सकता है, 3 महीने का बच्चा क्या बैलगाड़ी पलटेगा। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी, अप्रमेयम बलम तस्य बालक सुनते विदुः। ये भगवान का अप्रमेय बल है, जिस अप्रमेय बल को ये छोटे छोटे ग्वाले या ये गोपी यशोदा जैसी स्त्रियां क्या समझेंगी। भगवान तो ऐसे अपरिमित बल को धारण करने वाले हैं। भगवान ने शकटासुर का उद्धार करके अपनी दूसरी लीला के क्रम को दर्शन कराया। तीसरी लीला का क्रम जब प्रारंभ हुआ, एकदा रोह मारूढ़ लालयन्ति सतम सती गरिमारम शशोर्वोढुम नसे हे गिरिकूटवत्। तीसरी लीला भगवान की, एकदा रोह मारूढ़ लालयन्ति सतम सती। आरोह मारूढ़ स्तम लालयंती, गोद में लेकर के अपने पुत्र को दुलार कर रही थी यशोदा। एक दिन का ऐसा प्रसंग था, यशोदा जी ने अपने लाला को गोद में लिया हुआ है, गोद में लेकर हवा में, जैसे बच्चों को हम लोग उछालते हैं, गोद में छोटे बच्चों को लिया, थोड़ा हवा में उछाला, फिर ले लिया गोद में, फिर उछाला, फिर लिया। एक दो बार तो बच्चे को डर लगता है, फिर वो हंसने लगता है। जब हंसने लगता है तो माता बार बार उसको उछालती गोद में लेती, पर कन्हैया तो डरते है नहीं। यशोदा ने उछालना शुरू किया, भगवान को अच्छा लगने लगा। 2-4 बार यशोदा ने उछाला, भगवान को लगा नहीं अभी पूर्ण आनंद नहीं आ रहा, यशोदा तो बहुत कम मुझे हवा में उछालती, मेरा मन है
कि मैं पूरे जगत की सैर करके आऊं, पूरे आकाश की सैर करके आऊं। भगवान का नाम हम लोग कहते हैं ना, बिहारी जी हैं, बिहारी मतलब बिहार करने वाला। जब वो वृंदावन में बिहार करता है तो उसको वृंदावन बिहारी कहते हैं, जब वो चित्रकूट में बिहार करता है तो उसको चित्रकूट बिहारी नमः कहते हैं, चित्रकूट बिहारी बोलते हैं। अयोध्या में जब बिहार करता है तो अयोध्या बिहारी कहते हैं, जब साकेत में बिहार करता है तो साकेत बिहारी कहते हैं। मतलब जहां भगवान बिहार करें उसको वैसा ही नाम मिल जाता है। तो आज बिहारी जी की इच्छा हुई गगन विहार करूं, आकाश की सैर करता हूं। पर मैया में तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि मुझे आकाश की सैर करा सकेगी, तो उन्होंने योग माया को आदेश किया कि मुझे आकाश की सैर करना है। योग माया ने तृणावर्त नाम के दैत्य को भेज दिया, जाओ भगवान को आकाश की सैर कराओ। दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य है प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारासीरमर्भकम। कंस का भेजा हुआ सेवक है ये तृणावर्त। इसकी विशेषता है तृणावर्त माने हवा का वेग, तड़वत निकलम विश्व आवर्त यदि तृणावर्त, जो एक तृण के समान सारे जगत को उड़ा देने की क्षमता रखता है उसको तृणावर्त कहते हैं। तृणावर्त को प्रेरणा देकर के भेज दिया, चक्रवात का स्वरूप है, तृणावर्त पहुंचा। भगवान ने सोचा जब ये तृणावर्त आएगा तो इतना वेग होगा कि ये यशोदा समेत मुझे उड़ा करके ले जाएगा, तो पहला तो मेरा काम है कि मैं यशोदा से अलग हो जाऊं, दूर हो जाऊं। तो अपनी लीला करने के लिए भगवान ने यशोदा की गोद में पड़े पड़े एक अद्भुत लीला का विस्तार किया और अपने शरीर के भार को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। छोटे से ही रूप में इतने भारी हो गए प्रभु, इतने भारी हो गए कि यशोदा को अब कृष्ण का भार सहन नहीं होता। अभी तक जिनको हवा में उछाल रही थी अब उनको गोद में रख कर संभालना मुश्किल हो रहा था। न से हे गिरिकूटवत, इतना भार हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर की चट्टान मैंने हाथ में उठाई हो। भार सहन नहीं हुआ तो यशोदा ने रख दिया भूमि पर। ये अष्ट सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धियों के अंतर्गत ये सब लीलाएं भगवान करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानी की माता, आठ सिद्धियां हैं ये, जिसमें अड़िमा महिमा लघिमा प्राकाम प्राप्ति ईशिता इत्यादि के जो वशित्व, ये आठ सिद्धियां हैं। इन आठ सिद्धियों में ही भगवान लीलाएं दिखा रहे हैं। तो ये महिमा रूपी सिद्धि है कि अपनी महिमा को बढ़ाना, अपने भार को बढ़ाना शुरू कर दिया, इतने भारी हो गए यशोदा सहन नहीं कर पाई, भगवान को जमीन पर रख दिया। इतने में तृणावर्त पहुँच गया, जोर से हवा चलने लगी। मुहूर्तम अवध गोष्ठम रजसातम श्रावतम ततम यशोदा ना पश्यत तस्मिन् निस्तवतीयता। एक मुहूर्त के लिए सारे ब्रज में ऐसी स्थिति बन गई कि रजसातम श्रावतम धूल और अंधेरा व्याप्त हो गया। आंधियां चलती ना तो धूल आ जाती, अंधेरा हो जाता, तो रजसा माने धूल हो गई, तमसा माने अंधकार हो गया, या रजसा माने रजोगुण और तमसा माने तमोगुण। जब जीवन में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव आ जाता है तो सतोगुण जो है क्षीण हो जाता है, फिर सतोगुण दिखाई नहीं देता हमारे लिए। हम इतने रजोगुण और तमोगुण के अंधकार में व्याप्त हो जाते हैं कि सतोगुण रूपी भक्ति हमारे जीवन से समाप्त हो जाती है। ऐसा चक्रवात का स्वरूप रहा उस तृणावर्त का, यशोदा इत्यादि सारे ब्रजवासी अस्त व्यस्त हो गए। न पश्यम कश्चन आत्मानम परम चापी विमोहता, और इतने अस्त व्यस्त कि उस धूल और अंधकार में न कोई अपने को देख पा रहा और न दूसरे को देख पा रहा। परम चापी विमोहता, परम माने दूसरा और परम माने भगवान। रजोगुण और तमोगुण जब आता है
तो ना हम अपने आप को देख पाते और ना भगवान को देख पाते, दोनों के विषय में मोहित हो जाते हैं, ना अपने आप को पहचानते ना भगवान को पहचानते, सब विमोहित हो गए। तृणाव्रत भगवान को लेकर आकाश में चला गया, भगवान ने उसके साथ पूरे आकाश की सैर की। आकाश की सैर करके जब भगवान तृप्त हो गए तो भगवान ने तमस्मानम मन्यमान आत्मनो गुरुमत्या गले गृहीतम उत्कृष्टुम ना शक्नो दाद्भुतार्भकम, उसका गला पकड़ा। अभी तक तो तृणाव्रत ने भगवान को पकड़ा था और अब भगवान ने तृणाव्रत का गला पकड़ा। जब उस भगवान ने गला पकड़ा तब तृणाव्रत को भगवान के भार का आभास होने लगा। अरे इतना भारी कौन है ये, आत्मनो गुरुमत्या, ये मुझसे भी भारी है कोई, कौन हो सकता है, मैंने तो नंद के पुत्र को उठाया था पर लगता है भूल हो गई, मैं नंद महल से कोई चट्टान उठा करके ले आया हूँ। तमस्मानम मन्यमानः, भगवान को अश्म माने पत्थर समझ लिया और भगवान को छोड़ दिया। पर भगवान ने इतने जोर से उसका गला दबाया कि आखिरकार उसका वहीं पर प्राणांत हो गया, भगवान ने उद्धार कर दिया तृणाव्रत का। क्रमशः अपने भक्तों का उद्धार करते हुए एक दिन यशोदा जी को भगवान ने अपने दुग्धपान करते हुए विश्व रूप योग का दर्शन कराया, विराट रूप का दर्शन करा करके अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं का क्रम दर्शन करा के भगवान थोड़ा और बड़े हुए। सुखदेव जी एक नई कथा की ओर लेकर के चलते हैं। गर्गह पुरोहित राजन यदूनाम सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रणोदितः। वसुदेव जी महाराज कारागार में बैठे हुए एक एक दिन गिनते हैं, कब 11 वर्ष पूर्ण होंगे और कब मुझे अपने पुत्र का दर्शन होगा, उसका सानिध्य प्राप्त होगा, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। पर सोचा 11 वर्ष तो जब होंगे तब होंगे, पर 11 वर्ष के अंदर जो संस्कार इत्यादि होने हैं उन संस्कारों की भी व्यवस्था मेरे कुल के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि नंद तो ग्वालवंशी हैं और हम वृष्णिवंशी हैं। हर वंश की परंपरा अलग होती है, हर कुल की परंपरा अलग होती है, तो कुल परंपरा के अनुसार मेरे पुत्रों के संस्कार वृष्णि वंश के अनुरूप होने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ग्वाल वंशियों के अनुरूप उनका संस्कार नंद बाबा करा दें, ऐसा मन में निश्चय करके अपने कुल के आचार्य को बुलाया, गर्गाचार्य नाम है उनका, गर्गाचार्य जी को बुलाकर आदेश किया कि महाराज आप गोकुल चले जाइए और मेरे पुत्रों का संस्कार कर दीजिए वहां। वृष्णि वंश के पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी की प्रेरणा से ब्रज में आए, गोकुल में प्रवेश किया। नंद जी ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया, बहुत सम्मान किया उनका, अपने महल में लेकर के गए, सारी व्यवस्थाएं उनको कर दी। कहा महाराज आपका आना मेरे जीवन के लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा, प्रभु आप तो सब जानने वाले हैं, ज्योतिषियों में श्रेष्ठ हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान को धारण करने वाले हैं, ब्राह्मण हैं और जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु पद को धारण करने वाला है, महाराज तो गुरु ही होता है, तो प्रभु ऐसा करिए तुम ही ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुम अर्हसि, आप ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो मेरे घर में दो बालक हैं उनका संस्कार उनका नामकरण करने की कृपा करें। गर्गाचार्य जी ने सुना तो कहा महाराज मेरा परिचय तो जान लो, यदूना महिमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम, मैं यदुवंशियों के कुल का आचार्य हूं, तुम्हारे कुल का आचार्य नहीं हूं, तुम्हारे पुत्र हैं तो तुम अपने पुत्रों का नामकरण अपने ही कुल के आचार्य से करवाओ, तुम्हारे कुल के आचार्य हैं शांडिल्य मुनि और मैं
यदुवंशियों के वृष्णिवंशियों के कुल का आचार्य। और यदि कहीं कंस को इस बात का पता चल गया कि मैंने तुम्हारे पुत्रों का संस्कार किया है, तो कंस कहीं ये ना समझ ले कि ये देवकी के पुत्र हैं, छुप करके यहाँ रह रहे हैं, तुम्हारे पुत्रों पर संकट आ जाएगा, इसलिए तुम ऐसा करो कि अपने कुल के आचार्य से संस्कार करा लो। नंद जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज अब तो मेरे मन के भाव आपके चरणों में बन गए हैं, तो मेरी इच्छा है कि नामकरण तो आप ही करें। अलक्षितोस में रहसी मामकई रवि गोब्रजे, और यदि कंस का डर है तो उसकी व्यवस्था कर लेंगे। अलक्षितोस में रहसी, रहस्य माने एकांत में अलक्षित होकर छुप करके मैं अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करूंगा, जिसमें केवल आप और मैं रहेंगे और वो पुत्र रहेंगे, ऐसे द्विजाति संस्कार कराने की कृपा करें। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, एकांत में नामकरण की व्यवस्था कर ली गई। प्रारंभिक पूजन संपन्न होकर दोनों बालकों को माताएं लेकर के आईं। गर्गाचार्य जी ने एक बालक की ओर देखा और देखते ही कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यंसुर दौगुणी आख्या सते रामिति बलाधिक्यात् बलं विदुः, यदूनाम पृथक भावत संकर्षणम संकित। पहले पुत्र को देखा और कहा, नंद जी अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो पहला बेटा पड़ा हुआ है ये रोहिणी जी का बालक है, बताने की जरूरत नहीं है, वो तो इतने ज्योतिषाचार्य थे, त्रिकाल दृष्टा थे, सब मालूम था। कहा ये रोहिणी का पुत्र है, रम्यं सुहृदौ गुणैः है, इसमें गुण बहुत अच्छे अच्छे होंगे, इसलिए इसका नाम होगा बल, बल बहुत अधिक है इसलिए इसका नाम होगा बल, गुण बहुत होंगे, अपने गुणों के कारण इसको लोग राम के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि राम ही गुणवान है, गुण तो राम के जैसा किसी में है नहीं, तो इसको राम भी कहेंगे लोग, बलराम या बलदेव या बल और राम अलग अलग नामों से भी पुकारेंगे। यदुवंशी बहुत अलग अलग स्वभाव के हैं, तो सारे यदुवंशियों को जो एकता के सूत्र में बांध करके रखेगा, ऐसे आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम होगा संकर्षण, इसको लोग संकर्षण भी कहेंगे। एक पुत्र का नाम हो गया, अब दूसरे पुत्र की ओर देखा, जैसे ही देखा तो आनंद की एक अद्भुत प्राप्ति उनके जीवन में होने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे समाधि में डूब गए हों, देखा तो देखते ही रह गए, समाधिस्थ अवस्था में ही आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। यशोदा जी ने पूछा, क्या हुआ महाराज जी, क्या ऐसे देख रहे हो? बोले, इस पुत्र के गुण देख रहा हूं, ऐसा पुत्र तो मैंने कभी देखा ही नहीं। आसाद वर्णस्त्र हर्षे गृणतो अनियुगम तनु शुक्लो रक्तस्था पीतम इदानीम कृष्णतांगतः, ये तो हर युग में जन्म लेता है, कभी शुक्ल वर्ण से, कभी रक्त वर्ण से, कभी पीत वर्ण से, इदानीम कृष्णतांगतः, इस बार जो इसका जन्म हुआ है उसमें इसका रंग थोड़ा सांवला है, ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए तुम्हारे इस पुत्र का नाम मैं रखता हूँ कृष्ण, लोग इसको कृष्ण के नाम से जानेंगे। प्रागयम वसुदेव से कुछ जातस्तवात्मजः, पहले ये कभी वसुदेव जी का भी पुत्र था, अब आपके पास रहता है, इसलिए वासुदेव इत्रिमान अभिज्ञा संप्रचक्षते, इसलिए इसका एक नाम होगा वासुदेव, कृष्ण वासुदेव इत्यादि नामों से इसको लोग जानेंगे। वैसे नाम की क्या बात करें, बहुनी संति नामानी रूपाणी जैसुतस्ते, तुम्हारे इस पुत्र के बहुत सारे नाम होंगे, बहुत सारे रूप होंगे, जो गुण और कर्म के अनुसार समय समय पर प्रकट होते रहेंगे। इतना जरूर है कि तुम्हारा ये जो पुत्र है, तस्मा नंदात्मजो यमते नारायण समूढ़ है, नंद जी अपने इस पुत्र को कोई साधारण बालक के जैसा मत समझना, ये साक्षात नारायण के ही समान गुणवान होगा, ऐसा संकेत कर दिया। भगवान के नामकरण संस्कार हो गए, भगवान अब थोड़ा और बड़े हो गए, चलने फिरने लगे, जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजरहतु,
घुटनों के बल चलने लगे, किलकारी मारते हुए नंद जी के आंगन में घुटनों के बल दौड़ते हैं। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, हाथ और घुटनों के सहारा लेकर के रिंग माणो विजरहतु, उस नंद महल के आंगन में जोर जोर से भागते हैं, कभी गोल गोल घूमते हैं। प्रभु सूरदास जी कहते हैं, किलकत कान घुटरुअनि आवत, किलकारी मारते हुए भगवान जब घुटनों के बल दौड़ करके आते हैं तो नंद और यशोदा इतना आनंद प्राप्त करते हैं, भाग कर जाते हैं, नंद बाबा उनको अपनी गोद में उठा लेते हैं। थोड़ा और बड़े हुए, तवांग्र युग मनुकृष्ण सरीस पंतो घोष प्रघोष रुचिरम भज कर्तमेशु, तन्नाद दष्ट मनसा वनुसुत्त लोकम बुद्ध प्रभीत वदुपे तुरंति मात्रो। कभी सरीस पंतो माने पेट के बल घसीट घसीट के भगवान चलने लगते हैं। नंद और यशोदा को भगवान की इन लीलाओं को देख देख करके इतना आनंद आता है, थोड़ा खड़े होकर भी भगवान दीवाल पकड़ करके चलते हैं। कभी नंद महल के जो खंभे हैं उन खंभों को पकड़ करके खड़े होते हैं तो अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, अपना ही स्वरूप, स्फटिक के प्रतिबिंब हैं, खंभे हैं तो अपना ही रूप दिखाई देता है। अपने ही रूप को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, कितना सुंदर रूप है, चमत्कारकारी, चमत्कृत करने वाला रूप देख करके भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान की इन लीलाओं का क्रम आगे विस्तार को प्राप्त हुआ है। ग्वाल वालों के साथ मित्रता हो गई, मित्रता करके अपनी बाल लीलाओं का क्रम भगवान ने दर्शन कराना प्रारंभ कर लिया। कभी गायों के सींग पकड़ करके खेलने लगते हैं, कभी मोर के पीछे उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं का क्रम भगवान आज दर्शन कराते हैं कि सारा गोकुल, सारा ब्रज भगवान की उन लीलाओं को देख देख करके प्रसन्न होता है। गोपियों के साथ लीला करते हैं, कृष्ण से गोपियों रुचिरम भीक्ष कौमार चापलम क्षणवत्या के दन मातो रीति हो चु समागता। एक दिन भगवान अपने घर में एक सुंदर लीला करते हैं। यशोदा जी अपने काम में व्यस्त हैं, भगवान माखन की कोठरी में प्रवेश कर गए। बड़ी बड़ी मटकियों में माखन रखा हुआ था, माखन चोरी की लीला प्रारंभ की प्रभु ने। एक मटकी में हाथ डाला और एक माखन का लोंदा निकाल करके उसको खाना जैसे ही प्रारंभ किया, यशोदा जी आ गई। दूर से ही देखकर यशोदा ने चिल्लाया, कृष्ण क्वास करो, क्या कर रहे हो कृष्ण? झट से हाथ बाहर निकाल लिया, बोले मैया कुछ नहीं कर रहा। तो फिर लाला तेरे हाथ में ये माखन कैसे लगा? भगवान वाक चातुर्य में बहुत निपुण हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं, झूठ बोलेंगे तो भी बड़ा मीठा बोलते हैं। यशोदा ने कहा, लाला तेरे हाथ में माखन कैसे लगा? भगवान ने कहा, मैया अभी अभी तूने मेरे हाथ, जो हाथ में लाल लाल कंगन पहनाया था वो इतना गर्म लग रहा था कि उसको ठंडा करने के लिए मैंने मटकी में हाथ डाल दिया। समझ गई यशोदा झूठ बोलता है। ठीक है लाला, हाथ में लग गया, ये बता मुंह में कैसे पहुंचा? बोले मैया जब मैं हाथ ठंडा कर रहा था तो एक मक्खी आकर मुंह में बैठ गई, उसको उड़ाने लगा तो मेरे मुंह में भी माखन लग गया। समझती है यशोदा कि झूठ बोलता है, लेकिन उसके झूठ को भी यशोदा ने मुस्कुरा करके स्वीकार कर लिया। भगवान गोपियों के पास जाकर के जब लीला करते हैं, इन बातों को सुनकर के गोपियां भी यशोदा से जाकर शिकायत करती है, मैया तेरा लाला बहुत शैतान हो गया है, क्या करता है? बोले वत्सान मुंचन कचित समय क्रोश संजात हास त्रे स्तेयम स्वादवत्य दधिपय कल्पित पय कल्पित स्तेय हो गई मरकान भोक्षम विवद चाजे नाति भांडम भिनक्ति द्रव्यालाभे सागृह गुप्तो याद प्रकोषितो कान। क्या करता है? बोले वत्सान मुंचन कतिद समये, मैया हमारे घर में आकर हमारी गौशाला में जाएगा और बछड़ों को छोड़ के चला आता है।
मैया ने कहा तो ठीक है तेरा काम ही करता बछड़ों को ढील देता अच्छी बात है। बोले ऐसे नहीं मैया, असमय गाय का दूध दुहने के आधा घंटा पहले बछड़ों को ढील करके चला जाता है, बछड़े सारा दूध पी जाते हैं मैया। अब जब दूध ही नहीं होगा तो माखन कैसे होगा, माखन नहीं होगा तो हमारी जीविका कैसे चलेगी। ठीक है, यशोदा ने कहा थी ऐसी बात है तो बच्चा ही है, डांट दिया करो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, उसको अपना बेटा समझ करके डांट देना। बोले मैया डांट वांट के सब देख लिया, कोई फायदा नहीं, क्रोश संजात हासह, भैया वो इतना ढीठ है कि हम जितना डांटते हैं उतना दांत दिखाता है, भैया हंसता रहता है, हम डांटते रहते हैं वो हंसता रहता है, ऐसे में डांटने का फायदा क्या होता है भैया। और यदि कभी पकड़ भी गया और हम पूछते हैं कि लाला चोरी करते हो, तो कहता नहीं ये चोरी नहीं है, ये एक योग है। जैसे बड़े बड़े लोग बताते ना, कपिल देव जी ने कहा सांख्य योग है, कोई कहता अष्टांग योग है, तो कन्हैया कहता है गोपियों ये चोरी नहीं है, स्ते योग है, चोरी को उसने नाम दिया है स्ते योग, स्ते योग की परिभाषा बताने लगता है। इतना ही नहीं माता भैया, खुद तो खाता ही है, मरकान भोक्षित, बंदरों को भी बुला बुला कर हमारे घर का सारा माखन लुटा देता, भांडम भिनक्ति, और मना करो तो बर्तन फोड़ के चला जाता है भैया, ऐसी लीलाएं करता है भैया। मैया ने कहा ठीक है मैं समझाऊंगी, पर भगवान माखन चोरी की इन सुंदर लीलाओं का क्रम दर्शन करा करके सबको आनंद देते हैं, आनंद तो गोपियों को भी आता है, उन लीलाओं का आनंद लेकर के प्रसन्न रहती है। एकदा कीड़ मानस्ते रामद्या गोपदारका कृष्णोमृतम भक्षितवान इति मात्रेण वेदयन। एक दिन की लीला है कि भगवान यमुना के तट पर खेलते खेलते थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने मुंह में डाल लेते हैं, ग्वालों को मौका मिल गया, जाकर घर में शिकायत कर दी, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। यशोदा को क्रोध आ गया, सागृहीत्वा करे कृष्णम उपलब्ध्य हितैषिणी, यशोदा भय संभ्रांता वेक्षणा समभासत। जैसे ही कन्हैया आए यशोदा ने हाथ पकड़ा, यशोदा का क्रोध देखकर भयभीत हो रहे हैं कन्हैया, भगवान से पूछा यशोदा ने अरे लाला कस्मात् भक्तदान्तात्मन भावान भक्षितवान रहा, वदन्ति तावका है ते कुमारास्ते गृजोऽप्यहम, तूने मिट्टी खाई है? बोले नहीं खाई मैया। किसने कहा? बोले सारे ग्वाले कह रहे थे, और ग्वालों की बात मैं ना भी मानती, लेकिन तेरे भाई बलदाऊ ने भी कहा कि तूने मिट्टी खाई है एकांत में। भगवान ने कहा मैया नाहम भक्षितवान अम्बो सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्यस गिरस तरही समक्षम पश्चिमे मुखम, मैया मैंने कोई मिट्टी विट्टी नहीं खाई है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं मैया, पर यदि तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं तो सामने ही खड़ा हूँ, मेरा मुंह खुलवा करके देख लो, मिट्टी खाई होगी तो कहीं ना कहीं मुंह में लगी होगी, सोचा ऐसे बोलूं तो शायद बच जाऊं। लेकिन यशोदा ने भी कहा तद्देहम तरह व्यादेहे तुत्यसा भगवान हरि, ठीक है लाला तो अपना मुंह खोल करके दिखा, मैं देखती हूँ तूने मिट्टी खाई है कि नहीं। भगवान ने आज अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए कीड़ा मनुज बालका मनुष्य रूप में भी आज भगवान ने अपनी ऐश्वर्य की लीला दिखाने के लिए यशोदा के सामने जैसे ही अपना मुंह खोला यशोदा ने झांक करके देखा सातत्त दुद्दशे विश्वम जगत स्नाजु जखम दिशा, अंदर झांक करके देखती है तो कन्हैया के मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, आकाश पृथ्वी द्वीप पाताल भूगोल खगोल नभ चंद्रमा सारी सृष्टि का दर्शन होने लगा। एतद् विचित्रम सहजी विकाल स्वभाव कर्माशय लिंग भेदम सूतो सूनो तनो वीक्ष विदारितास्ते ब्रजम सहामात्म वाप शंकाम, ऐसा अद्भुत भाव अपने पुत्र के मुख में देखकर यशोदा भयभीत हो गई, आंखें बंद कर ली। भगवान ने सोचा रे मेरा विराट रूप देखकर कहीं ये मुझे भगवान न समझ ले, पर मैं तो यशोदा से पूर्ण
पुत्र स्नेह ही चाहता हूँ। मेरी माँ मुझे पुत्र रूप में ही स्नेह करे, इसलिए अपनी माया का पर्दा डाल दिया। सिद्धो नष्प स्मृति गोपी सारो प्यारो हमात्मजम। माया का पर्दा ऐसा डाला कि यशोदा को सब भूल गया, कुछ याद नहीं रहा यशोदा को। ऐसी सुंदर लीला भगवान करते हैं। एक दिन यशोदा ने सोचा अपने लाला को स्वयं माखन खिलाऊं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माखन निकालने लगी। भगवान सो के उठे, भैया मैया भूख लगी है, ठीक है लाला माखन खा लो। बोले माखन नहीं, आज तो दूध पीना है मुझे। हट करने लगे, भैया अपने लाला को दूध पिलाने लगी। रसोई में गाय का दूध चूल्हे पर रखा हुआ था, गर्म होकर अग्नि में गिरा। यशोदा ने कन्हैया को जमीन पर लेटा दिया और चली गई दूध उतारने। भगवान को क्रोध आ गया, मुझे भूखा छोड़ के चली गई। बड़ा सा पत्थर लाए, मटकी में पटक दिया, मटकी फूट गई। यशोदा ने देखा, आवाज आई तो बड़ा क्रोधित हुई यशोदा। कन्हैया को पकड़ने के लिए भागने लगी, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। भागते भागते थक गई यशोदा, बैठ गई। मैया को थका हुआ देखकर भगवान पहुंच गए, ले मैया पकड़ ली। मैया ने पकड़कर जब रस्सी से उसको लपेटना चाहा, दो अंगुल रस्सी कम पड़ गई। दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर लपेटा, फिर दो अंगुल कम पड़ गई। बार बार रस्सी दो अंगुल कम पड़ रही है। भगवान कह रहे हैं, मैया यदि तू मुझे प्राप्त करने के लिए अपना पुरुषार्थ उपयोग करेगी तो मैं कभी पकड़ में नहीं आने वाला। यदि हम कभी अपने ज्ञान, अपनी भक्ति, अपने कर्म के अभिमान से सोचें कि हम भगवान को पकड़ लेंगे तो भगवान परिश्रम से नहीं पकड़ में आते। कोई सोचे कि हम बहुत सेवा करते हैं तो भगवान तो हमको मिलेंगे ही, तो ऐसे नहीं मिलने वाले। कोई सोचे कि हम दिन रात माला ही तो जपते रहते, मिलेंगे क्यों नहीं भगवान, तो भगवान नहीं मिल सकते। कोई सोचे कि मैं इतना विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा ज्ञानी हूँ, दिन भर पुस्तकें ही पढ़ता रहता हूँ, कथा ही सुनता रहता हूँ, तो भगवान नहीं मिलते ऐसे। भगवान तो भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। भगवान को यदि हमने अपने परिश्रम के अभिमान से पाना चाहा तो एक अंगुल हम दूर हो जाएंगे, और यदि हम एक अंगुल दूर हुए तो एक अंगुल भगवान भी दूर हो जाएंगे। ये दो अंगुल का फासला सदैव हमारे बीच में बना रहेगा, इसलिए इस द्वैत को समाप्त करिए। इस द्वैत को समाप्त करना होगा। जीव और ईश्वर के भाव को एक रूप में बनाकर जब कृष्ण प्राप्ति का हम प्रयास करेंगे तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यशोदा ने समर्पण कर दिया। भगवान तो यही चाहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। संसार के सारे लोक धर्म परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। आज भगवान बंधन में आ गए, पेट में भगवान के रस्सी बंधी हुई है। रस्सी को संस्कृत में दाम कहते हैं और पेट को उदर कहते हैं। जिसके पेट में रस्सी बंधी हुई है उसका नाम पड़ा दामोदर। आज से भगवान को दामोदर के नाम, बोलिए दामोदर भगवान की जय। भगवान ने कुबेर के अनुचर नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया, यमलार्जुन के वृक्ष के रूप में उनका उद्धार करके उन पर कृपा की, फल बेचने वाली पर भी कृपा कर रहे हैं भगवान। गोकुल में रह करके भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का क्रम दर्शन कराकर हमारे जीवन को आनंद की इस लीला का प्रसंग दर्शन कराया है। भगवान की लीलाएं तो बहुत अद्भुत हैं और बड़ी विस्तृत हैं, और हम लोगों का समय बहुत सीमित है, इसलिए अपनी समय सीमा के अंतर्गत आज हमने भगवान की केवल गोकुल की लीलाओं का क्रम दर्शन किया है। कल भगवान की आगे की लीलाओं का क्रम दर्शन करने के लिए भगवान के विशिष्ट रूप में उनकी पावन लीला का क्रम दर्शन करेंगे। आज की इस कथा के प्रसंग को यहीं भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए विश्राम करेंगे। बोलिए वृंदावन श्री भागवत भगवान की जय। आप करना मैं
आप लोग कोई भजन गा सकते हैं, फिर आरती होगी। भजन एकाध भजन गा दीजिए। भगवान का भोग लगा दीजिए, पूजन कर दीजिए। मैंने कहा भी खड़े यार। मेरा कुछ नंदला दीन बंधु हितकारी, सुन लीजिए रज हमारी, काटो जन्म मरण के तेरे, नंदलाल कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, हम नीन नीन संसारी, सुन लीजिए रज हमारी, जग आसा नाथ तुम्हारी, जग देख लिया बहुत तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरी डगमग डोले नैया, बन जाओ प्रभु आप लखवैया, मेरी डगमग डोले नैया, बन जाओ गुरु जी आप लखवैया। मैं तो घर पे हूं, आप मैं आई शरण लिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा मलिया मेरे, जय दमन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, महाराज की पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। अब आरती होगी, ठाकुर जी की आरती होगी। आरती प्रज्वलित कर लीजिए। अथारार्दिक्यं हरिः ॐ मा चन्द्रा पापियों को पाप से आरती
जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला गीत पावन को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुखकारी ये दुखहारी ये सुखकारी ये दुखहारी ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जग पंथ बोल सन्मार्ग के बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग पंथ सन्मार्ग बताने वाला प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती नमामि विष्णुं चिरजा चतुर्भुजं च पिता तमेव तमेव भवन्तो च जगा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवते कदले गर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्दिकमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव आरार्दिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्मै आत्माभिवन्दनम् मंत्रपुष्पांजलिम् अपने अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान की मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना करें। हरि ओम मायतने न यत्न माया जदेवास्ताने धर्म रदमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्द यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदया हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो
विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हेमन्ति कामकुलजं भगवादलात् पुण्य गजाद गजमीन गजाद बेल प्रबाल तुलसी दल मंजरी दामोदयाम जगदीशी परमेश मंत्रमस्तांजलिं समर्पया श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः भगवते श्री राम कुमार स्वामी ने नमः बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम कुमार भगवान की श्रीमद भागवत महापुराण की पवन सुधा महाराज की श्री भास्कर महाराज की भगवान की भद्रे विशाल धाम की गंगा मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राम गुरुदेव भगवान की जय। गुरुजी दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी का बारंबार प्रणाम। जय राम जी की जय। राम जी की गुरुजी को सभी बड़ों को प्रणाम। जय श्री राम स्वामी जी। स्वामी जी जय राम जी की जय। राम जी स्वामी जी आप अच्छा किया। युवराज स्वामी गुरुजी को बारंबार प्रणाम। देखते हैं सभी बड़ों को भी मेरा प्रणाम। चलो ना अरे लिखा रुक पर सबको आशीर्वाद है। प्रणाम स्वामी जी। जय राम जी की। कोटि कोटि वंदन महाराज। जय श्री राम। प्रणाम गुरु जी। जय राम जी की। गुरु जी। गुरु जी आती नहीं समझे शास्त्र जी। प्रणाम। बोलू हेलो गुरु जी। प्रणाम कर दिया पंडित जी। एक लड्डू देवी जी खा लेते हैं। छप्पन भोग किया आ जाओ सब।
हमारे साथ ही कर लीजिए प्रसादी छप्पन भोग की। एक लड्डू दे भी दिखा लेते हैं। जय राम जी की। मिलते हैं कल। धन्यवाद आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया प्रणाम ये लीजिए स्वामी जी दे आपको। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मासी।